हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। एंड ये पिनाकल की सीरीज मैंने स्टार्ट की है। पिनाकल में मैंने स्टैटिक जीके कंप्लीट कर दिया है, तो उसका एक वीडियो है, लगभग 5.5 घंटे का वो वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपका स्टैटिक पोर्शन कम्प्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वो पार्ट है, बिकॉज उसमें डांसेस, उसके अलावा आप इंडिया में फर्स्ट एंड खेल, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। कहाँ का कौन सा नृत्य है, ये सब कौन से ट्राइब्स कहाँ को बिलोंग करते हैं, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टैटिक पोर्शन है, और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो वो एक वीडियो है ऑलरेडी, और इसके साथ ही मैं इस पूरे बुक को कवर करने वाला हूँ। तो आज हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। लगभग 850+ क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यही वो क्वेश्चन है जो कंटिन्यूसली रिपीटेटिवली आपके एग्ज़ाम में आते रहे हैं। तो चैनल पर रहें तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज कंटेंट बहुत सारा है। अगर आप एमसीक्यू देखना चाहते हैं डिफरेंट बुक्स का, तो डेफिनेटली हमारे इस चैनल पर बहुत सारा कॉन्टेंट है। जैसे लूसेंट का कम्प्लीट ऑब्जेक्टिव मैंने करा रखा है, उस प्लेलिस्ट को आप जाके देखिए। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन का जो कंप्लीट एसएससी का जो जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली एसएससी में आते हैं, वो बहुत सारे एग्जाम्स में आते रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो, उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे मुद्दे पे आते हैं। हिस्ट्री हम देखेंगे, प्री हिस्टोरिक एंड इंडस वैली के सवाल को इनिशियली देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इनमें से जो पोर्ट सिटी है वो लोथल है, तो आंसर आपका होगा लोथल। लोथल कहाँ है? लोथल है गुजरात में, गुजरात में पड़ता है लोथल। इनफैक्ट लोथल और धौलावीरा दोनों गुजरात के ये साइट हैं जो कि इंडस वैली से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, द सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी वॉज फाउंडेड बाई, सो इट वॉज फाउंडेड बाई कपिल। डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं, जैसे कि योग है, पतंजलि उसके फाउंडर है, इसके अलावा सांख है आपने देखा है ना, एंड सो ऑन, कई सारे ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफिकल सिस्टम है। नेक्स्ट है, देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। आंसर है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कलहण के द्वारा लिखी गई थी 12वीं सेंचुरी में, और ये कश्मीर के किंग्स के बारे में डिटेल में यहाँ पर मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच पूछा है, तो सामवेद नॉलेज ऑफ साइंस, ऋग्वेद नॉलेज ऑफ हिम्स एंड प्रेज, अथर्ववेद नॉलेज ऑफ द मैजिक्स एंड फॉर्मूला। तो अथर्ववेद तो सही है, और सामवेद जो है एक्चुअली वो म्यूजिक से संबंधित होना चाहिए। तो हमारा देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है ए गलत है, बिकॉज जो सामवेद है वो म्यूजिक वगैरह से, नॉलेज ऑफ मेलोडीज फॉर चैंटिंग वगैरह म्यूजिक से संबंधित है। तो हमारा आंसर होगा ए गलत है, यहाँ पे नॉलेज ऑफ साइंस नहीं होगा। द डैश इज एन एंशियंट इंडियन ट्रीटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी दैट वाज रिटन इन संस्कृत। कौटिल्य इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड एज द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट। तो ये है अर्थशास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है ये। यहाँ पे अर्थशास्त्र में मौर्य वंश से संबंधित काफ़ी जानकारी है। इनफैक्ट इसमें स्टेट क्राफ्ट ट्रीटाइज का और इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑस्ट्रिचेस वेयर फाउंड इन इंडिया। ऑस्ट्रिचेस पाए जाते थे पेलियोलिथिक पीरियड में। नेक्स्ट है, द आर्कियोलॉजिकल साइट इनाम गांव कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये इनाम गांव जो है ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ये एक पोस्ट हड़प्पन एग्रीकल्चरल या फिर एग्रेरियन विलेज कह सकते हो, ये महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न इंडिया में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश इज कंसीडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो भिरदाना जो है ओल्डेस्ट डिस्कवरी माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट पोएम रिटन बाई बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने कादंबरी लिखी थी, हर्ष चरित्र और कादंबरी के लेखक बाणभट्ट हैं, ठीक है। बाणभट्ट जो थे ये कोर्ट पोएट थे अपने हर्षवर्धन के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
मोहेजो मोहेजो दारो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो ये सिंधु रिवर पे के बैंक पे ये है। द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट कल्चर? तो बेबीलोन में जो है मेसोपोटामियन कल्चर था, ठीक है, तो आंसर होगा मेसोपोटामियन कल्चर। ठीक है, आंसर होगा मेसोपोटामियन कल्चर, बी इसका सही आंसर है, मेसोपोटामियन कल्चर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस? तो ये रोपर जो है, ये रोपर जो है सतलज नदी पे है, इंडस पे नहीं है। ठीक है, हाउ मेनी वेदांगाज वेदांगाज आर देयर इन टोटल? तो देखिए, छः चार वेद थे और वेदांग थे टोटल कितने, सिक्स, सिक्स वेदांग थे। और उनका नाम आप देख सकते हो यहाँ पे, छः वेदांगों का, शिक्षा वेदांग था एक, कल्प वेदांग था, व्याकरण था, निरुक्त था, और छंद था, और ज्योतिष था। ठीक है, व्हाट इज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर रवि? तो देखिए, अलग अलग नदियों के अलग अलग नाम, पंजनाद जो नदियाँ थी उनके अलग अलग नाम दिए गए थे ऋग्वेदिक नाम, और रवि का जो नाम था वो था परुषिनी, आंसर होगा परुषिनी। और इसके अलावा अगर बात करें, जैसे बितासा झेलम नदी को बोलते हैं, अक्षिनी चिनाब को, और सुतुद्री सतलज को। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पन साइट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? आंसर होगा कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है। द ऋग वेदा इज डिवाइडेड इंटू डैश बुक्स और मंडल्स? तो इसमें टोटल 10 बुक्स कह सकते हो, और या मंडल कह सकते हो, 10 है टोटल, और इसमें 1028 पोएम्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सुत्त पीतक? सुत्त पीतक का पार्ट है मझिम निकाय, मझिम निकाय, मझिम निकाय इज द पार्ट ऑफ सुत्त पीतक, एंड सुत्त पीतक इज डिवाइडेड अंडर फॉलोइंग सेक्शन, उसमें अंगुत्तर निकाय भी है, उसमें दिघ निकाय भी है, और उसमें खुद्दक निकाय है, मंझिम निकाय है, और संयुक्त निकाय है। तो देख सकते हो आप, इतने सारे निकाय हैं इसमें। इन विच स्टेट इज़ द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोतादा? सुरकोतादा सिचुएटेड, तो ये अभी जो है सुरकोतादा ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है ये, और रापर तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ठीक है, सुरकोतादा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैज़ एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग? पिट ड्वेलिंग का मतलब है कि जो धरती खोद के लोग घर बना लेते थे उस टाइप के, तो ये था बुर्जाहोम में। और बुर्जाहोम जो है ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है पिट ड्वेलिंग का यहाँ पे, या फिर प्रिमिटिव ड्वेलिंग जो कह सकते हैं, ये यहाँ पे देखा गया है, पाया गया है। इसमें क्या है, एक्सकवेट करते थे, खुदाई करते थे पिट की, और पिट को खोद के ये घर बना लेते थे। बुर्जाहोम द नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन, तो ये है जम्मू कश्मीर में, बुर्जाहोम जम्मू कश्मीर में है। ये एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज द साइट ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो लोकेटेड? तो मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंध में पड़ता है, सिंध रीजन जो पाकिस्तान का पार्ट है। और मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड मैन, या फिर मौत का टीला भी इसको हिंदी में कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक इंडियन साइट? तो ये है हथनोरा में पाया गया है, एक स्कल कैप पाया गया है फ्रॉम हथनोरा, इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट बिलोंगिंग टू होमो इरेक्टस ऑफ मिडिल प्लेस्टोसीन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन एरा साइट्स हैज़ द एविडेंस ऑफ द प्लोड फील्ड हैव बी फाउंड? तो जुते हुए खेत, या फिर प्लोड खेत जो कहते हैं, ये है शायद, आई थिंक यस, कालीबंगा में ये पाया गया है, कालीबंगा में ये पाया गया है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। माइक्रोलिथ्स वेयर डैश यूज बाई अर्ली ह्यूमन्स? तो ये एक स्टोन टूल था, माइक्रोलिथ, बहुत छोटे छोटे पत्थरों से टूल्स बना लिए थे इन्होंने ह्यूमन्स ने उस समय, माइक्रोलिथ जिसे कहते हैं, स्टोन टूल्स थे, और इसे डिफरेंट काम करते थे, जैसे कि स्पीयर पॉइंट इसमें होता था, ये जैसे कि ये काम कट करने के लिए किया जाता था, क्रश करने के लिए किया जाता था, जैसे मीट वगैरह काटने वगैरह के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया? आंसर होगा
हुनासागी, हुनासागी एक पेलियोलिथिक साइट है, ठीक है, हुनासागी। ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन विच वन इज नॉट लोकेटेड इन पाकिस्तान, तो सुरतो घाई जो है ये पाकिस्तान में नहीं है, बाकी सब पाकिस्तान में है, ठीक है। सुरतो घाई पाकिस्तान में नहीं है, ये अफगानिस्तान में है, ठीक है, अफगानिस्तान में। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान, तो अभी हमने डिस्कस किया था सुरतो घाई, सुरतो घाई जो है अफगानिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हड़प्पन सिटी, तो इसमें से धौलावीरा जो कि गुजरात में पड़ता है एक हड़प्पन सिटी है, बाकी ये कौशल, लुम्बिनी, लुम्बिनी का आप जानते हो, यहाँ पर महावीर अपने गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था, हम्पी, हम्पी विजयनगर एम्पायर का है, और ये कौशल जो है महाजनपदा का पार्ट है, तो ये सब छोड़ के बाकी आपका धौलावीरा ही बचता है, धौलावीरा आंसर हो जाएगा। विच मेटल डिड द हड़प्पन गेट्स फ्रॉम द प्रेजेंट राजस्थान, राजस्थान से ये कॉपर लेते थे, कॉपर लेते स्पेशली खेतरी रीजन जो है राजस्थान का, जो कि फुट हिल्स ऑफ द अरावली रेंज के उसके आसपास पड़ता है, वहाँ से ये कॉपर उठाते थे। लोथल ए प्रोमिनेंट सिटी ऑफ द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो लोथल जो है गुजरात में पड़ता है, लोथल गुजरात का पार्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स, इज फॉल्स एज पर वैदिक थ्योरी, तो फॉल्स वैदिक थ्योरी के हिसाब से आप क्या कह सकते हो आंसर होगा इसका, द ब्राह्मणाज और प्रिस्ट केम फ्रॉम पुरुष ईयर, ये गलत है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण जो है पुरुषा जो कि भगवान जी से माना जाता है, उनके मुखा मुख से उनका उत्पत्ति होता है, तो ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू वेदांगास, वेदांगास विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स रिचुअल, तो वेदांगा के हिसाब से जो है रिचुअल जो होता है कल्प होता है, कल्प जो है कल्पा रिचुअल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज नोन एज परुसिनी इन द वैदिक पीरियड, तो हम जानते हैं कि रवि को हम परुसिनी कहते हैं, ठीक है, रवि को परुसिनी कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है जिसे हम हाइड्रोट्स भी कहते हैं, हाइड्रोट्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। द वर्ड सत्यमेव जयते ऑन द स्टेट एम्बलम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद, तो ये मुंडक उपनिषद से, बहुत रिपीटेड सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडक उपनिषद से इसे लिया गया है, ठीक है, क्या है, सत्यमेव जयते। आगे बढ़ते हैं, एट वन स्टेज इन द वैदिक एज द किंग वॉज कॉल्ड गोपति विच मीन्ट, गोपति का मतलब क्या है, गोपति का मतलब है लॉर्ड ऑफ कैटल, लॉर्ड ऑफ कैटल। द कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स और मंत्राज आर नोन एज, इसको कहते हैं हम लोग संहिता, संहिता, ठीक है, संहिता कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द पुराणास लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु टुक द शेप ऑफ डैश इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द अर्थ, तो इन्होंने एक बोर का शेप लिया था, बोर का शेप लिया था, ठीक है, और बोर का शेप लेके बराह जिसे कहते हैं अर्थ को बचाया था। ए पर्सन्स वैदिक अप्रोच एंड हिज रिलेशनशिप विद सोसाइटी आर डिटरमाइंड बाय द फोर गोल्स ऑफ लाइफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम, तो ये जो है ये सिद्धि इसमें नहीं है, सिद्धि इज नॉट द गोल विच डिटरमाइन द वैदिक अप्रोच ऑफ ए पर्सन, ठीक है। जो वो चार गोल अप्रोच हैं वो है कामा, अर्था, धर्मा और मोक्षा। अकॉर्डिंग टू द रामायण रत्नाकर वॉज द अदर नेम ऑफ, रत्नाकर अदर नेम था वाल्मीकि का, वाल्मीकि ने ही लिखा था रामायण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स आर कॉल्ड, इसको कहते हैं हम संहिता, संहिता। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त जो है इज द हिम फ्रॉम विच वेदा, पुरुष सूक्त जो है ये ऋग्वेदा का पाठ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदाज डील्ट विथ म्यूजिक, तो म्यूजिक सामवेद डील करता है, म्यूजिक जो है चैंट वगैरह, म्यूजिक सामवेद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदा, तो ऋग्वेदा जो है सबसे पुराना है, ऋग्वेदा सबसे पुराना है, सबसे नया अथर्वेदा है। इन विच ईयर वेयर 30 ऋग्वेदा मैनुस्क्रिप्ट डेटिंग फ्रॉम 1800 टू 1500 BC इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, ये किया गया था 2007 में, 2007 में ये किया गया था। अब हम देखेंगे जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज लॉर्ड महावीरा बॉर्न,
तो लॉर्ड महावीर का जन्म हुआ था बिहार में, बिहार में हुआ था, ठीक है, वैशाली में, कुंडग्राम में, ठीक है, इनका हुआ था जन्म। क्षत्रिय जैन फैमिली में हुआ था इनका जन्म, वैशाली में। द डैश इज अ जैन टेक्स्ट कंटेनिंग द बायोग्राफीज ऑफ जैन तीर्थंकराज, मोस्ट नोटबली पारसनाथ एंड महावीरा। तो इसका आंसर होगा कल्पसूत्र, कल्पसूत्र इसका आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी द टर्म जीना मीन्स, जीन का मतलब होता है कनकरर, द कनकरर होता है। नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर। तो इसका आंसर होगा अयोध्या, अयोध्या। फर्स्ट थे ऋषभदेव और फोर्थ थे अभिनंद, अभिनंद नाथ। नेक्स्ट देखते हैं, महावीरा हु वाज नोन इन पाली लिटरेचर एज द निगंथा नाथपुत्ता फाउंडेड ए रिलीजन कॉल्ड, इन्होंने जैनिज्म को फाउंड किया था, जैनिज्म को फाउंड किया गया था। और 24वें तीर्थंकर थे, 23वें थे पारसनाथ। वेयर डिड लॉर्ड महावीरा अटेन साल्वेशन, तो इनको मिला था ये साल्वेशन मिला था इनको पावापुरी में, पावापुरी में इनको मिला था। और पावापुरी बिहार में ही है। बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। डैश इज फेमस फॉर आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेंस ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिलोंगिंग टू पीरियड बिटवीन द 3rd century BC एंड 12th century AD। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा सांची, सांची सही आंसर होगा इसका। वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स इन इंडिया डैश स्तूपा एट सारनाथ वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई ग्रेट मॉडर्न किंग अशोका। तो इसे हम कहते हैं सारनाथ वाले को क्या कहते हैं, सारनाथ वाले को कहते हैं दामेख स्तूपा, दामेख स्तूपा कहते हैं सारनाथ वाले को। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर नोबल ट्रूथ्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो चार नोबल ट्रूथ जो है ये बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं कि संसार दुखों का घर है, दुखों का कारण है ना, तो ये सब है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा जो है लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और लुम्बिनी अभी नेपाल में है। द चैत्य एंड बिहारा वेयर कंस्ट्रक्टेड फॉर द मॉन्क्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो ये बुद्धों के लिए, बौद्धिस्ट चैत्य, बौद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए चैत्य और बिहारा बनाया गया था, ठीक है, चैत्य और बिहारा काफ़ी है, चैत्य बिहारा। लोमस ऋषि केव जो है कंस्ट्रक्टेड फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये जो है ये बिहार में, लोमस ऋषि केव ये बिहार में, बराबर केव्स भी बिहार में है, नागार्जुनी केव्स भी है, ये सब जहानाबाद में। विच मॉरियन रूलर बिकम द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। तो अशोक जो थे बुद्धिज्म के फॉलोअर बने। विच हिस्टोरिकल साइट इज लोकेटेड इन जोगाड़ इन उड़ीसा, जोगाड़ इन उड़ीसा आंसर होगा इसका अशोका का रॉक कट इंस्क्रिप्शन साइट। द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द आर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज। तो ये इसका सही आंसर होगा ईरानियन, नहीं एक मिनट, ग्रीस से होगा इसका आंसर, ग्रीस इसका सही आंसर होगा, ग्रीस। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द आर्किटेक्चर ऑफ द बुद्धिस्ट स्तूपा आंसर होगा हर्मिक, हर्मिक संबंधित है उससे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा साइट इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड नहीं है भरूत, भरूत जो है ये एक मध्य प्रदेश का साइट है। इन विच सिटी वॉज द 3rd Buddhist Council हेल्ड। तो तीसरा जो है पाटलिपुत्रा में अशोका के समय हुआ था, पहला हुआ था आपका राजगीर में और उस समय जो अजात शत्रु के समय में हुआ था उसका प्रेसिडेंट थे महाकश्यप 483 में। दूसरा कालाशोक के समय में हुआ था वैशाली में और सबकामी जो है प्रेसिडेंट था 383 में। तीसरा अशोका एज यू नो और पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्र तीसरा इसका प्रेसिडेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा भी हुआ था, चौथा कनिष्क के समय में हुआ था, कुंडबन ये आपका कश्मीर में है और बसुमित्र इसके प्रेसिडेंट थे 72 AD में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट्स इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो सारनाथ जो है ये उत्तर प्रदेश में है, बाकी सांची
आपको पता ही है, सांची एमपी में है, अमरावती आपका तेलंगाना में है। द प्लेस ऑफ गौतम बुद्धाज बर्थ वॉज ग्रोव नोन एज, आंसर होगा लुम्बिनी। लुम्बिनी द रूल्स मेड फॉर द डैश वेर रिटन डाउन इन बुक कॉल्ड विनय पिटक, ये रूल्स था बुद्धिस्ट संघ के लिए, आंसर होगा सी बुद्धिस्ट संघ। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन ऑन फोर नोबल ट्रूथ, ये पहला जो सरमन दिया था ये सारनाथ में दिया था इन्होंने, सारनाथ में। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन इनलाइटनमेंट, ये इनको हुआ था बोधगया में, बोधगया में फल्गु नदी के नीचे, या फिर निरंजना नदी भी बोलते हैं। और वन ऑफ द मेजर इवेंट्स ऑफ अशोका रेन वॉज कन्वेनिंग डैश ऑफ द बुद्धिस्ट संघ काउंसिल इन 250 BCE इन द कैपिटल पाटलिपुत्र, तो थर्ड जो है बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था। डैश फोस्टर्स द मदर महा प्रजापति गौतमी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑब्टेन डैश, आंसर होगा ये होगा बुद्धा की फोस्टर मदर थी महाप्रजापति गौतमी। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इज सेड टू हैव बीन पैट्रोनाइज बाई, ये पैट्रोनाइज किया था अजात शत्रु ने, अजात शत्रु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चेतिया, चेतियागिरी बिहारा इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सांची, इज अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल, ठीक है बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेयर रिटन इन, ये लिखे गए थे पाली लैंग्वेज में, पाली लैंग्वेज में। अब हम क्वेश्चन देखेंगे महाजनपदा से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोनार्कियल स्टेट्स दैट एग्जिस्टेड इन द 7th एंड अर्ली 6th सेंचुरी BCE इन इंडिया, तो मोनार्कियल स्टेट जो है वैशाली नहीं था, वैशाली क्या था ये रिपब्लिक था, सॉरी कौशल आंसर दिया हुआ है, तो देख लेते। अकॉर्डिंग टू द पुराणस एंड द रामायण एपिक अयोध्या वॉज द कैपिटल ऑफ कौशल ड्यूरिंग द रेन ऑफ इक्ष्वाकु एंड हिज डिसेंडेंट्स, श्रावस्ती इज रिकॉर्डेड एज द कैपिटल ऑफ कौशल एंड ड्यूरिंग द महाजनपदा पीरियड, बट पोस्ट मौर्यन किंग्स इशूड देयर क्वाइंस फ्रॉम अयोध्या। नेक्स्ट डैश एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगाई कोंड चोला और कंकरर ऑफ द रिवर गंगा, आंसर होगा इसका राजेंद्र चोलवन, राजेंद्र चोलवन। द मोनूमेंट्स ऑफ खजुराहो इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश आर फाइन डिनोशन ऑफ द डैश डायनेस्टी, आंसर होगा चंदेल डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी। टेम्पल फॉर गॉडेस निशुंभा सुदिनी वॉज बिल्ट बाई चोलाज, चोलाज आंसर होगा चोलाज। अजात शत्रु ए रूलर ऑफ द हरेक डायनेस्टी वॉज सन ऑफ बिम्बिसार, बिम्बिसार का पुत्र था ये। द फेमस फिजिशियन जीवक वॉज अपॉइंटेड बाई द कोर्ट ऑफ बिम्बिसार, जीवक था बिम्बिसार के कोर्ट में। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, तो धनानंद था आखिरी शासक और इसका मृत्यु हो गया था लड़ाई में, अशोका चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको मार दिया था। डैश वॉज द कैपिटल ऑफ द मगध बिफोर 4th century BCE, तो राजगृह जो है ये मगध का कैपिटल था। इन द 4th century BCE द कैपिटल ऑफ मगध वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। विच डायनेस्टी बिल्ट द 5 रथाज ऑफ महाबलीपुरम, आंसर इज पल्लव, पल्लव डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द चोल एम्पायर टेम्पल, चोल एम्पायर टेम्पल का एक अच्छा एग्जाम्पल है ऐरावतेश्वर टेम्पल, ऐरावतेश्वर टेम्पल। हाउ मेनी ग्रेट पावर्स महाजनपदाज एग्जिस्टेड इन द 7th एंड अर्ली 6th century BCE ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द लॉर्ड गौतम बुद्धा, आंसर टोटल 16 महाजनपदाज, जैसे काशी बनारस राजधानी और कौशल लखनऊ, मल्ल गोरखपुर, वत्स अलाहाबाद, चेदी कानपुर, कुरु दिल्ली, पंचाल रोहिलखंड, मत्स्य जयपुर, सूरसेन मथुरा, अस्मक औरंगाबाद महाराष्ट्र, अवंती उज्जैन, अंग चंपा, मगध साउथ बिहार, मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा, ब्रिज नॉर्थ बिहार एंड बज्जी जिसे कहते हैं, ब्रिज जी लिखा हुआ है,
गांधार, पेशावर, कंबोज नियर गांधारा। तो ये कुछ 16 जो महत्वपूर्ण जनपद थे। अगला सवाल है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। तो चालुक्य डायनेस्टी का था फाउंडर पुलकेशिन वन, सही आंसर होगा पुलकेशिन वन। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई, इट वॉज फाउंडेड बाई धर्मपाल, एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई डायसेपाल किंग, तो ये होगा धर्मपाल। मिहिर भोज वॉज द रूलर ऑफ प्रतिहार रूल, प्रतिहार डायनेस्टी, मिहिर भोज। द बदामी चालुक्य फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट डैश बिफोर दे मूव टू बदामी, आंसर, पहले इनका कैपिटल था आईहोल में, आईहोल में कैपिटल था। द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ भोपाल वॉज बिल्ट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहार रूलर, तो ये राजा भोज ने, जो मिहिर भोज है, उन्होंने ही इसको बनाया था। द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ भोपाल वॉज बिल्ट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहार रूलर, तो मिहिर भोज इसका सही आंसर होगा। द फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई द, कंस्ट्रक्टेड बाई द, बाई द चंदेलास, चंदेलास आंसर होगा। सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स अंडर द चोल डायनेस्टी वेर नोन एज, इसको बोलते थे उर बोलते थे उर, और कई सारे उर मिलके, कई सारे ग्रुप ऑफ उर मिलता था तो नाड़ू बनता था। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम द हर्यक डायनेस्टी वॉज बिम्बिसार। वॉट डिड द टर्म सालभोगा स्टैंड फॉर विथ रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द इम्पीरियल चोला, तो सालभोगा को बोलते थे लैंड डोनेटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, सालभोगा। डिस्पाइट बीइंग अ पावरफुल महाजनपदा, मगध वॉज अंडर द अनदर फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन वैशाली इंक्लूडिंग इट्स कैपिटल बज्जी विच वॉज कॉल्ड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ग्राम, सॉरी गना और संघा, गना और संघा के नाम से जानते। रूलर्स ऑफ महाजनपदाज इन एंशिएंट इंडिया कलेक्टेड टैक्स कॉल्ड भागा फ्रॉम द डैश इन द रीजन, तो ये भाग जो थे फार्मर्स से लेते थे, फार्मर्स से लिया जाता था, एक टैक्स का तरीका था, ये टैक्स ही था, इसको भागा बोलते थे। रिवर सच एज गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू ए डैश महाजनपदा इन एंशिएंट इंडिया, तो ये मगध में बहती है, ठीक है, मगध। मौर्यन एम्पायर, नेम द स्टेट चंद्रगुप्ता वन गॉट इन डॉरी फ्रॉम लिच्छवी, ये मिला था इनको पाटलिपुत्र से। द बराबर केव्स द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया मोस्टली बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, ये है मौर्यन पीरियड से, मौर्यन पीरियड से संबंधित है। मेगास्थनीज अ ग्रीक हिस्टोरियन विजिटेड इंडिया इन द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, 4th century BC। एंड हु हैज रिटन द बुक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के रचयिता है कौटिल्य, कौटिल्य या फिर चाणक्य कह लो, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली करेक्ट पेयर एज डिस्क्राइब्ड बाय चोला इंस्क्रिप्शंस, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, आंसर होगा पल्ली, पल्ली चंदम लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्रीफाइस परफॉर्म बाई किंग इन एंशियंट इंडिया टू एस्टेब्लिश देयर पोजिशन, आंसर होगा मुवेंद वेलन नहीं था, वाजपेय या अश्वमेघ राजसूया था। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन द सीता, सीताध्यक्ष वॉज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। द बराबर केव्स द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया मोस्टली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, आंसर होगा मौर्यन पीरियड। चंद्रगुप्त लेड रिवोल्ट अगेंस्ट द डैश एंड ओवरथ्रोन देम, आंसर होगा नंद, नंद। ए टाइप ऑफ कोर्ट कॉल्ड कंटक सोधना वॉज प्रिवेलेंट इन डैश एम्पायर, एम्पायर, तो आंसर होगा इसका मौर्यन एम्पायर। एक कोट था, प्रिवेलेंट था ये मौर्यन एम्पायर में, इट इज लिटरली मीन्स रिमूवल ऑफ द थॉर्न्स,
हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड ए सेट ऑफ अशोकन इंक्रिप्शन इन 1877? आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंगम। अकॉर्डिंग टू अशोकन एडिक्ट्स हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर बिकमिंग द किंग डिड अशोका वेज वार ऑन कलिंगा? आंसर होगा इसका 8 years, 8 years के बाद में। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू डिसाइफर द अशोकन एडिक्ट? जेम्स प्रिंसेप इसका आंसर होगा, आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप, 1837 में किया था इन्होंने। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स ऑन ए स्टोन सर्फेस? तो अशोका ने ये किया था, अशोका के कई सारे पिलर्स मिलते हैं हमें। हु अमंग द फौलोइंग किंग्स फाउंडेड द मौर्य एम्पायर इन एंशियंट इंडिया? चंद्रगुप्त आंसर होगा इसका, चंद्रगुप्त मौर्य। विच वॉज द फर्स्ट एम्पायर इन एंशियंट इंडिया टू यूज एलिफेंट्स इन इट्स वार ऑन लार्ज स्केल? आंसर मगध, मगध एम्पायर। इन इंडियन हिस्ट्री हु वेर द रेफर्ड टू एज अताविका राज्य? ये होगा साउथ इंडियन किंगडम, सॉरी अताविका राज्य वाज फॉरेस्ट किंगडम, फॉरेस्ट किंगडम इज द राइट आंसर। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी? आंसर होगा बृहदर्थ, बृहदर्थ। विच डायनेस्टी रूल्ड इंडिया बिटवीन 320 AD एंड 550 AD? आंसर होगा गुप्त डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी। इंपेरर अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंग वार? 261 में कलिंग वार हुआ था, 261 BC में काफ़ी नरसंहार हुआ था, उसके बाद अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड नॉट बिलोंग टू मॉडर्न डायनेस्टी? आंसर होगा बिंबिसार, बिंबिसार हर एक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, फाउंडर थे उसके। वॉट वॉज द नेम ऑफ किंग अशोका डॉटर हुम ही अडॉप्टेड टू कैरी आउट द ड्यूटीज ऑफ बुद्धिस्ट मिशनरी? आंसर होगा संघमित्रा, संघमित्रा। अब हम गुप्त डायनेस्टी के क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ द नवरत्न एट विक्रमादित्य कोर्ट? आंसर होगा सूरदास, सूरदास वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट। विच पिलर इंस्क्रिप्शन हैज रिकॉर्डेड द अचीवमेंट ऑफ समुद्र गुप्ता हु वॉज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट? आंसर होगा अलाहाबाद पिलर, हरी सेन इनके कोर्ट पोएट के द्वारा ये लिखा गया था। ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड गोल्ड क्वाइंस वेयर कॉल्ड बाई विच नेम? तो गोल्ड क्वाइन को जानते थे हम लोग दिनार के नाम से, दिनार्स। द डैश पीरियड हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री? गुप्त पीरियड को माना जाता है, हालांकि ये अतिशयोक्ति है, बहुत सारी दिक्कतें भी थी। खैर द लास्ट रिकॉग्नाइज किंग ऑफ द गुप्त लाइन वॉज? विष्णुगुप्त, आंसर विष्णुगुप्त। द गुप्त इम्पोज ए फाइन कॉल्ड डैश विच वॉज फ्लो टैक्स पेड बाई एवरी कल्टिवेटर ओइंग ए फ्लो? आंसर हलवकारा, हलवकारा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ वकातक डायनेस्टी इन द 3rd century? आंसर विद्याशक्ति, विद्याशक्ति। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ए गुप्त रूलर? सो आंसर इज विक्रमादित्य। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? आंसर होगा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। हु रोट समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति ए यूओलॉजी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री और प्रोज यूजुअली बाई कोर्ट पोएट्स एट अलाहाबाद? तो ये लिखा था हरिसेन ने, हरिसेना ने। प्रभावती गुप्त द क्वीन रीजेंट ऑफ बकाटक एम्पायर वॉज डॉटर ऑफ द कुबेर नागा एंड, कुबेर नागा एंड सी इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य जिसे बोलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स बिलोंग टू तुलुवा डायनेस्टी? तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं कृष्णदेव राया, कृष्णदेव राया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म बिठी रेफर्ड टू, बिठी रेफर्ड टू एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्त रूलर्स मैरिड ए गर्ल फ्रॉम लिच्छवी क्लैन? आंसर इज चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त वन।
अब देखेंगे बर्धन डायनेस्टी से, ड्यूरिंग हुज रेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर वेन सांग विजिटेड इंडिया। वेन सांग हर्षवर्धन के समय में आया था, ह से हर्षवर्धन, ह से वेन सांग। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिड चाइनीज ट्रेवलर वेन सांग विजिट इंडिया, आंसर होगा हर्षवर्धन। द चाइनीज ट्रेवलर वेन सांग केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धना, हर्षवर्धना 606-647 AD तक काम किया था, एसेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज। ठीक है, बाण भट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन किंग, तो ये भी हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे बाण भट्ट, हर्ष चरित्र और कादम्बरी के रचयिता थे ये। वेन सांग हेल्ड एज अ प्राइम ऑफ प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा, हर्षा इज द राइट आंसर। किंग हर्षवर्धना एसेंडेड द थ्रोन ऑफ द थानेश्वर एंड कन्नौज ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, आंसर होगा राज्यवर्धन, राज्यवर्धन। द हर्ष चरित इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना द रूलर ऑफ कन्नौज कंपोज इन संस्कृत बाई हिज कोर्ट पोएट बाणभट्ट, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डिड चाइनीज ट्रेवलर वेन सांग विजिट, आंसर हर्षवर्धन। हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धन इन 618 CE, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था हर्षवर्धन को। उसके बाद बताते हैं कि हर्षा जो थे वो दुखी हो गए थे, हर्षा वॉज नो मोर हर्षा। पुष्यभूति हु रूल्ड फ्रॉम थानेश्वर वॉज द फाउंडर ऑफ डैश डायनेस्टी, तो ये था पुष्यभूति जो था ये था वर्धन डायनेस्टी का फाउंडर था, वर्धन डायनेस्टी। हर्ष चरित्र द डीड्स ऑफ हर्षा विच इज ए बायोग्राफी ऑफ इंडियन इंपीरियर हर्षा वॉज रिटन बाई बाणभट्ट, आंसर होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट वेल नोन फॉर हिज लिटररी वर्क फ्लोरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका, सॉरी हर्षा, हर्षवर्धना। किंग शशांक अगेंस्ट हुम हर्षवर्धना डिक्लेयर्ड वॉर वॉज रूलर ऑफ विच किंगडम, गौड किंगडम, आंसर होगा गौड किंगडम। अब मिसलेनियस सवाल देखते हैं, हु अटैक द एंड लूटेड द फेमस सारनाथ टेम्पल इन 1026, आंसर होगा बी महमूद अफ गजनी, महमूद अफ गजनी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राजतरंगनी, आंसर होगा कलहन। द खजुराहो टेम्पल आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, द तनख इज अ सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजन और सेक्ट, आंसर जुदाइज्म, जुदाइज्म ज्यूइश टेक्स्ट है। द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रिपुरा इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाई डैश डायनेस्टी, आंसर मणिक्या डायनेस्टी। संत कबीर रिसीव्ड द हिज स्पिरिचुअल ट्रेनिंग फ्रॉम हिज प्रिसेप्टर नेम्ड रामानंद, रामानंद। पंचवटी एक की पार्ट ऑफ द वाल्मीकि रामायण इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, आंसर महाराष्ट्र। हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धन इन 618 CE, आंसर पुलकेशिन द्वितीय। कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा वॉज बिल्ट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग किंग, आंसर होगा इसका नरसिंह देव वन। अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन 323-326 BC, द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई विक्रमशिला धर्मपाल। डैश अटैक्ट द साउदर्न कोस्ट ऑफ काठियावाड़ अलोंग द अरेबियन सी वेयर ही सैक्ड द सिटी ऑफ सोमनाथ एंड इट्स रिनोड हिंदू टेम्पल इन 1026, आंसर होगा महमूद ऑफ गजनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स वॉज डिफीटेड बाई महमूद गजनी इन द फर्स्ट अटैक इन द ईयर 1001, आंसर होगा जयपाल। गुरु इज डैश नोन एज द कॉबलर सेंट, आंसर होगा गुरु रविदास, रविदास। द
द फर्स्ट इन्वेशन ऑफ गुरु मोहम्मद गोरी वाज इन डैश व्हेन ही अटैक्ड मुल्तान. आंसर इज 1175 AD. द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट इन द ईयर 1192 1192. और इसमें हार हो गई थी पृथ्वीराज चौहान की. द बैटल ऑफ डैश वॉज फॉट इन द 326 BC बाई अलेक्जेंडर द ग्रेट अगेंस्ट द किंग पोरस. इसको बोलते हैं बैटल ऑफ हाइडेस्पिस. अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन डैश ईयर सी में नहीं किया था, बी सी में किया था. आंसर 326 BCE. कलहन पेंड द बुक नेम्ड राजतरंगनी, लिखा था इन्होंने इन 12th century, विच इज मेट्रिकल ए मेट्रिकल क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर. आंसर होगा राजतरंगनी. कनिष्क वाज अ डैश किंग, कनिष्क वाज ए कुषाण किंग. विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वॉज बिल्ट बाई राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. आंसर होगा कैलाश टेम्पल. हु रोट द बुक अमुक्त मालयादा. आंसर कृष्णदेव राय. विच डायनेस्टी हैड डेवलप्ड द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट इन एंशियंट इंडिया. आंसर कुषाण डायनेस्टी. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाई बराह मिहिर. आंसर होगा बृहत संहिता. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियंस नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया. सिक्किम बुद्धिज्म जैनिज्म जोरोस्ट्रियनिज्म. इसका सही आंसर होगा. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी. आंसर होगा मिहिर भोज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड टू संस्कृत महाभारत. आंसर इज शांति पर्व. द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कोलडिहवा इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स इज नॉट ए टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल इन इंडिया. नगर, द्रविड़, अगर विसारा भी है, नगर भी है, द्रविड़ भी है, गोथिक नहीं है. गोथिक जो है फॉरेन का, यूरोप का है. हु हैड द बिल्ड द ग्रांड चैरियट केव टेम्पल्स इन महाबलीपुरम. आंसर होगा बी नरसिम्हा. द गॉडेस अरियानी इज द गॉडेस ऑफ डैश एज पर ऋग्वेदिक पीरियड. आंसर गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट. वॉट वॉज द नेम ऑफ दैट हिंदू डायनेस्टी ऑफ गुजरात, लास्ट हिंदू डायनेस्टी ऑफ गुजरात विच रूल्ड फ्रॉम 1244 to 1304. आंसर होगा बाघेल डायनेस्टी. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाई बराह मिहिर. आंसर होगा बृहत संहिता. नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम मौर्यन पिलर लोकेटेड एट सारनाथ, वाराणसी सारनाथ. डैश इज एन एपिक पोएम इन संस्कृत महाकाव्य स्टाइल ऑन द लाइफ एंड निर्वाण ऑफ गौतम बुद्धा बाई अश्व घोष. तो आंसर होगा बुद्ध चरित सही आंसर होगा. डैश क्रिएटेड ए न्यू सिस्टम ऑफ म्यूजिकोलॉजी कॉल्ड इंद्रप्रस्थ मत्ता और चतुर्दंगी दंदी संप्रदाय. आंसर होगा इसका आमिर खुसरो. कोलाथुनादु, वल्लुवनाद एंड थेक्केकूर वेयर एंशियंट स्मॉल टाइम किंगडम इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. आंसर होगा केरल. आंसर होगा. व्हेन डिड द विक्रम एरा बिगिन. विक्रम एरा शुरू हुआ था 57 BC में. इन विच स्टेट जोगाड़ा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज लोकेटेड. आंसर होगा उड़ीसा. हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी. पाल डायनेस्टी का था गोपाल. हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द बेसिसिक स्कूल ऑफ फिलोसफी. आंसर होगा कनाद, महर्षि कनाद. द फेमस केव्स ऑफ उदयगिरी एंड खानदगिरी आर लोकेटेड इन उड़ीसा. द कथा सरित सागर इज रिटन बाई सोमदेव. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदू माइथोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अमंग द 10 अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु. आंसर होगा इसका ए गरुड़. द फोर्थ अवतार
हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज देवनाम पिया? आंसर अशोका। तोलका पियर इज ए फेमस एंशियंट ग्रामेरियन ऑफ द डैश लैंग्वेज? आंसर तमिल लैंग्वेज। एज पर एंशियंट इंडियन फिलोसफी द पुरुषार्थ और फोर एम्स ऑफ द लाइफ डज नॉट इंक्लूड? यस यस इसका सही आंसर। कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा वॉज बिल्ट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? तो ये किया था नरसिंह देव वन ने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स विल यू फाइंड गोपुरम? आंसर होगा शिव टेम्पल चिदम्बरम। द मैसूर पैलेस वॉज रेसिडेंस ऑफ बोधियार डायनेस्टी। पत्ता चित्र आर्ट फॉर्म इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड इन हिंदू माइथोलॉजी? आंसर होगा ए लॉर्ड जगन्नाथ। द सन टेम्पल ऑफ उड़ीसा वॉज बिल्ट इन द 12th सेंचुरी AD बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर? आंसर नरसिंह देव वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट रिटन बाई कृष्ण देव राय? आंसर होगा अमुक्त माल्यदा। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बेसिक टेक्स्ट ऑफ वैशेषिक फिलोसफी? आंसर महर्षि कनाड। द स्टोरी ऑफ मैनामती एंड गोपी चंद्रा इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क? आंसर इज नाथ लिटरेचर। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द राष्ट्रकूटा किंगडम? तो आंसर होगा दंती दुर्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन इन बाई पाणिनि? तो पाणिनि ग्रामेरियन थे, अष्टाध्यायी लिखा था इन्होंने। गौतमीपुत्र सतकर्णी वॉज अ डैश रूलर? ही वॉज ए सातवाहन रूलर। यशो विग्रह मच्ची माही चंद्रा एंड चंद्र देवा वेर द फर्स्ट थ्री रूलर्स ऑफ द डैश डायनेस्टी? आंसर होगा इसका गढ़वाल डायनेस्टी। हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड रिवाइव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी? आंसर होगा धर्मपाल। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए रूलर ऑफ द कुशान डायनेस्टी? आंसर होगा नहपाना। द चालुक्य डायनेस्टी वॉज मेजर किंगडम इन द डैश पार्ट ऑफ इंडिया? आंसर होगा साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट विच वॉज नोन एज प्रग ज्योतिषा ड्यूरिंग द एपिक पीरियड? आंसर होगा इसका असम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इज द पेंटिंग नेम्ड पद्म पानी बोधिसत्वा फाउंड? आंसर होगा डी अजंता केव नंबर वन। भक्त भास्कर वर्मन ऑफ वर्मन डायनेस्टी रूल्ड इन द डैश रीजन? आंसर होगा कामरूप रीजन। एंशियंट इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट वेर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स ऑन द बैंक ऑफ डैश ट्री विच ग्रो इन द हिमालय? आंसर होगा बर्च। विच पैलेस हैड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलाइजिंग द फ्लड वाटर ऑफ गंगा रिवर इन द फर्स्ट सेंचुरी BC? आंसर होगा इसका श्री नगरा पेरापुरा हैड अ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ गंगा रिवर इन द फर्स्ट सेंचुरी BC। With reference to early Indian history, who among the following was famous in the field of medicine? Answer hoga Charak. Charak is the right answer. Gautamiputra Satkarni was the greatest ruler of the Dash Empire in 2nd century CE. Answer hoga Satvahan ruler the ye. The caves of Elephanta are predominantly dedicated to which of the following deities? Answer Lord Shiva. Chola inscription describe Tirunmattikanni as आंसर होगा इसका डी लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। तो अब आपके स्क्रीन पे है मिडाइवल हिस्ट्री में हम लोग फॉरेन इन्वेशन से स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं।
डैश अटैक्ट द साउदर्न कोस्ट ऑफ काठियावाड़ अलॉन्ग द अरेबियन सी वेयर ही सैक द सिटी ऑफ सोमनाथ एंड इट्स रिनोड हिंदू टेम्पल इन 1026। तो ये है महमूद ऑफ गजनी, इसका आंसर होगा महमूद ऑफ गजनी। महमूद गोरी, मोहम्मद गोरी वॉज डिफीटेड बाई डैश रूलर इन 1191। तो ये एक चौहान रूलर पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 1191 में हरा दिया गया था, लेकिन 1192 में फिर वो हार गए थे सेकेंड बैटल में। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द बैटल इन द ईयर होगा 1191, बट लॉस्ट हिम द फॉलोइंग ईयर। आंसर होगा 1191, फर्स्ट बैटल में जीत गए थे, दूसरे में हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द बैटल इन द ईयर बट लॉस्ट, सेम क्वेश्चन है 1191। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स वॉज डिफीटेड बाई महमूद गजनी इन हिज फर्स्ट अटैक इन द ईयर 1000 AD। आंसर होगा जयपाल, जयपाल इसका सही आंसर होगा। हु अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात, आंसर होगा महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी 1124 में किया था इसने अटैक। द फर्स्ट इन्वेशन ऑफ मोहम्मद गोरी इन डैश वेन ही अटैक्ड मुल्तान, तो ये 1175 में किया था अटैक मुल्तान पे। द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फाउट इन द ईयर 1192। क्वीन नाइकी देवी इज रिमेंबर्ड एज द वुमेन हु डिफीटेड इन डैश इन 1178। आंसर इज मोहम्मद गोरी को हराया था इन्होंने, क्वीन नाइकी देवी। डैश वॉज बॉर्न टू चौहान किंग सोमेश्वरा एंड हिज क्वीन कर्पूरा देवी इन 1166। आंसर होगा इसका पृथ्वीराज चौहान। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड ए कोड विच प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। आंसर होगा इसका लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स वॉज डिफीटेड बाई महमूद गजनी इन हिज फर्स्ट अटैक इन द ईयर 1001। आंसर होगा जयपाल, जयपाल हार गया था। मोहम्मद गोरी अटैक्ड ताबर हिंदा, दैट इज उस समय ताबर हिंदा बोलते थे, भटिंडा है, इन 1191 ए स्ट्रेटेजिक पॉइंट फॉर पृथ्वीराज चौहान। आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी फॉट द बैटल ऑफ तराइन, दो लड़ाइयाँ हुई थी तराइन की, 1191 में प्रथम, 1192 में द्वितीय। हु अमंग द फॉलोइंग हैड इन्वेडेड इंडिया इन 712 AD, तो ये था मोहम्मद बिन कासिम, पहला मुस्लिम अटैक था ये। इन 711 सी अरब जनरल डैश कंकर्ड सिंध विच बिकम पार्ट ऑफ द खलीफ डोमेन। आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर होगा, मोहम्मद बिन कासिम। तुगलक तो बहुत बाद में आया था। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट इन इंडिया इन ईयर 1503। आंसर होगा पुर्तगीज इसका सही आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत से सवाल लेते हैं। हु वॉज द मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। आंसर था प्लासी के समय था सिराजुद्दौला। आलमगीर द्वितीय, एक्चुअली मुगल एम्पायर पूछा है ना, यस आलमगीर द्वितीय। हु इंट्रोड्यूस्ड चारबाग सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया, तो ये मुगलों ने दिया है भारत को चारबाग सिस्टम। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली नोन एज पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं हम अमीर खुसरो को जानते हैं। द पीरियड बिटवीन डैश इन इंडिया हिस्ट्री इज नोन एज दिल्ली सल्तनत पीरियड, तो ये वो पीरियड है 1206 से लेकर 1526 तक का पीरियड है। अब इसमें मामलुक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी था सबसे पहला, फिर खिलजी डायनेस्टी था, फिर था तुगलक डायनेस्टी, फिर था सैयद डायनेस्टी, फिर लास्ट में था लोदी डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर है
द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब देम एज डिसेंडेंट्स ऑफ द लेजेंडरी ईरानियन किंग अफरासियाब. द सिटी ऑफ विक्ट्री फतेहपुर सिकरी इंडस वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द ग्लोरियस रेन ऑफ मुगल. आंसर होगा आगरा में है ये फतेहपुर सिकरी. ये जब गुजरात विजय हुआ था ना तभी फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा एक बनवाया था अकबर ने. द दृश्य कला एग्जीबिशन हेल्ड एट द रेड फोर्ट शो केस्ड आर्ट वर्क फ्रॉम डैश टिल इंडिया इंडिपेंडेंस. आंसर इज सी 16th century. द महाभारत ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्सियन इन मुगल पीरियड इज नोन एज रज्मनामा. रज्मनामा बोलते हैं इसको. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मुगल रूलर. तो सबसे पहले आएगा भाजसा. याद कर लो ये भाजसा. बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब. जहांगीर शाहजहां औरंगजेब ये सही है. अकबर जहांगीर आना चाहिए. अब शाहजहां नहीं आएगा तो यही गलत है. ठीक है. आंसर होगा बी. नेक्स्ट देखते हैं. ए पिलर कंटेनिंग इंक्रिप्शन फ्रॉम थ्री डिफरेंट पीरियड्स दैट इज दैट मौर्यन पीरियड गुप्त पीरियड एंड मुगल पीरियड इज लोकेटेड एट. यह अलाहाबाद में. अलाहाबाद में है यहाँ पे. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन दिल्ली सल्तनत द टर्म मुक्ति. मुक्ति का मतलब क्या है. मुक्ति का मतलब है द होल्डर ऑफ लैंड असाइंड कॉल्ड इक्ता. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट पूछा है. पहला स्टेटमेंट है द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब देम एज डिसेंडेंट्स ऑफ द लेजेंडरी ईरानियन किंग अफरासियाब. बाबर वॉज पुश्ड आउट ऑफ हिज होमलैंड फरगना बाई उज़्बेक्स. बाबर वॉज रिलेटेड टू गेंगिज खान फ्रॉम हिज मदर साइड. दे वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ द तैमूर ऑन द पैटर्नल साइड. तो तीसरा चौथा तो सही है. ए गलत है. मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब देम एज ए डिसेंडेंट ऑफ अफरासियाब. नहीं होगा. तैमूरिड्स डिसेंडेंट मानते थे तुर्किस. हु वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो ये रजिया सुल्तान. रजिया सुल्तान यहाँ पे डी पे है. हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक तबकाते नसीरी. तो मिन्हास उस सिराज के द्वारा लिखी गई थी तबकाते नसीरी. ठीक है. हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत अपॉइंटेड गयासुद्दीन बलबन एज हिज और हर प्राइम मिनिस्टर. तो ये किया था रजिया नसीरुद्दीन महमूद ने. नसीरुद्दीन महमूद ने अपना प्राइम मिनिस्टर चुना था बलबन को. हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वेन इब्न बतूता केम टू इंडिया. इब्न बतूता मुरक्को रबात से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय. मोहम्मद बिन तुगलक. ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज एक्चुअल पावर इंजॉयड बाई बलबन. आंसर होगा नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह. स्लेव डायनेस्टी देखेंगे 1206 से लेकर 1290 तक. विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक. आंसर होगा स्लेव डायनेस्टी. 1206 में फाउंड किया था इसको. दरगाह ऑफ शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इज लोकेटेड इन. ये कहाँ पे है दरगाह. ये है दिल्ली में. दिल्ली में है. द डैश डायनेस्टी विच रूल्ड नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1290 वॉज इस्टेब्लिश बाई कुतुबुद्दीन ऐबक. ये है मामलुक डायनेस्टी या फिर इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं. विच वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया. तो फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी. द डैश वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमेन टू एवर सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली. आंसर होगा रजिया बेगम. रजिया बेगम गुंडों में फंस गई थी. हु अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द चार मीनार. चार मीनार का कंस्ट्रक्शन कराया था कुली कुतुब शाह ने. कुली कुतुब शाह ने कराया था. हौज सुल्तानी इज़ अ बिग रिजर्वर. बिग रिजर्वर.
हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स ट्रेस्ड हिज डिसेंडेंट टू एंशियंट हीरो अफरासियाब इन ऑर्डर टू फैब्रिकेट ए नोबल बर्थ फॉर हिमसेल्फ। आंसर होगा इसका बलबन। बलबन डैश ऑर्गेनाइज्ड हिज ट्रस्टेड नोबल्स इनटू ए ग्रुप ऑफ 40 नोन तुर्कान ए चहलगानी। आंसर होगा बलबन, नहीं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सही आंसर होगा। दलचलीसा। हु अमंग द फॉलोइंग क्रॉनिकलर्स रोट अबाउट रजिया एंड रिकॉग्नाइज दैट सी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। आंसर होगा मिनहाज ए सिराज। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मामलुक डायनेस्टी इन इंडिया। आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था, फिरोज शाह तुगलक ने उसे जो डैमेज हो गया था उसको बनवाया था। तो तीन लोगों का नाम आता है इसमें। खिलजी डायनेस्टी। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बाघेल डायनेस्टी ऑफ गुजरात आफ्टर हुज डिफीट द किंगडम वॉज पास टू अलाउद्दीन खिलजी। आंसर होगा इसमें, आंसर होगा करण देव। द चोला एम्पायर वॉज इन्वेडेड बाई डैश इन अर्ली 14th century AD। ये मलिक काफूर के द्वारा इन्वेड किया गया था। द खिलजी ऑफ खिलजी डायनेस्टी फाउंडेड बाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रूल्ड लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिटवीन, ये किया था 1290 से लेकर 1320 तक। आंसर होगा सी। डैश वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ। आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा द साउदर्न गेट ऑफ द कौवत अल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई अलाउद्दीन खिलजी। सीरी द सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाई अलाउद्दीन खिलजी। द चोला एम्पायर वॉज इन्वेडेड बाई डैश इन द अर्ली 14th century मलिक काफूर ने अटैक कर दिया था चोला डायनेस्टी। द खिलजी डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली फ्रॉम 1290 से लेकर 1320। तुगलक डायनेस्टी द इन्वेशन ऑफ दिल्ली बाई तैमूर इन डैश एडी मार्क द एंड ऑफ द तुगलक एम्पायर। आंसर होगा 1398 सही आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द गवर्नर्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। आंसर होगा इसका अलाउद्दीन खिलजी के समय जलालुद्दीन खिलजी तो फाउंडर था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश उससे पहले था, ग्यासुद्दीन तुगलक। यस आंसर होगा ग्यासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर भी था। द कुतुब मीनार वॉज नेम्ड आफ्टर द सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आंसर होगा सी। ए डैश मोरक्कन ट्रैवलर हु इज नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव ट्रैवल्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो यह आया था इब्न बतूता, मोरक्को से आया था ये। इन द रेन ऑफ इल्तुतमिश द स्पेसिफिक स्लेव्स वेयर ब्रॉट फॉर बॉट फॉर द मिलिट्री सर्विस हु वेयर कॉल्ड एज बंदागंस। ड्यूरिंग हुज रेन डेट द मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता विजिट इंडिया इन 14th century। आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। विच सुल्तान इस्टैब्लिश्ड सेपरेट डिपार्टमेंट दीवाने अमीर को ही टू टेक केयर ऑफ एग्रीकल्चर। आंसर होगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक वॉज द गवर्नर ऑफ डैश ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब। मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद इन महाराष्ट्र। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स वॉज अपॉइंटेड इन द स्टेट सर्विस बाई मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये इब्न बतूता को किया गया था।
आंसर होगा सी इब्न बतूता, बगल में जूता। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक, हु फाउंडेड सैयद डायनेस्टी, ये किया था खिजर खान ने। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सैयद रूलर ऑफ दिल्ली, आंसर होगा खिजर खान द फाउंडर। लोधी डायनेस्टी देखते 1451 से 1426, व्हेन डिड इब्राहिम लोधी बिकम सुल्तान ऑफ दिल्ली, आंसर होगा डी 1517। द डैश सल्तनत इज रूल्ड बाई द सरकी डायनेस्टी, आंसर होगा जौनपुर सल्तनत। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ दिल्ली, तो इसका आंसर होगा इब्राहिम लोधी, जो हार गया था बाबर से। अब आ गया बाबर मुगल डायनेस्टी। डैश वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पायर इन इंडिया, बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पायर इन इंडिया। हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पायर इन इंडिया, बाबर। फिर आएगा सवाल आपका, हु अमंग द फॉलोइंग डिड बाबर डिफीट इन ईयर 1528 एट चंदेरी, तो ये हराया था मेदिनी राय को। इन विच ईयर डिड बाबर डिफीट सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोधी एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा, आंसर होगा 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। हु है डिफीटेड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527, आंसर होगा बाबर। इन विच ईयर डिड बैटल ऑफ खानवा टेक प्लेस बिटवीन बाबर एंड राजपूत फोर्सेज लेड बाई राणा सांगा, 1527। हु डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर। एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश बाई बाबर, 1526। द बैटल ऑफ खानवा वॉज डैश फॉट बिटवीन वॉज अ फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा। खानवा यस, राणा सांगा हुआ। मेमोयर ऑफ बाबर और बाबर नामा ऑल्सो नोन एज तुजुके बाबरी वॉज रिटन बाई हिमसेल्फ, बाबर नहीं लिखा था ये, तुजुके बाबरी। इन 1526 डैश डिफीटेड इब्राहिम लोधी एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली आगरा, बाबर। व्हेन वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट, 1526। हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पायर, बाबर। द मुगल्स वेयर डिसेंडेंट ऑफ मदर साइड से गेंगिस खान और फादर साइड से, तो गेंगिस खान ही होगा आंसर इसका, चंगेज खान के डिसेंडेंट थे। हुमायूं देखेंगे 1508 से लेकर 1556, और शेर शाह सूरी 1486 से लेकर 1545। हुमायूं हेयर्स डैश वॉज बॉर्न इन एग्जाइल एंड वॉज ओनली 13 ईयर ओल्ड वेन हिज फादर डायड, आंसर होगा हुमायूं हेयर था किसका, बाबर अकबर। हुमायूं का हेयर था अकबर, मात्र 13 साल में इसके फादर का देहांत हो गया था। द सूरी किंग डैश वॉज डिफीटेड बाई हुमायूं टू रिगेन हिज किंगडम, आंसर होगा सिकंदर सूरी। When was the Battle of Kannauj fought? बहुत important. Battle of Kannauj या Battle of Bilgram भी बोलते हैं, 1540। इसी में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। Battle of Chausa was fought between हुमायूं and शेर शाह सूरी on 26 June in year 1539। चौसा की लड़ाई में भी हराया था, बक्सर के पास पड़ता है। Who among the following is not associated with the Mughal Empire? शाह आलम द्वितीय था, शेर शाह सूरी नहीं था, आंसर होगा बी, शेर शाह सूरी जो था सूरी डायनेस्टी का था। द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड शेर शाह सूरी, 1539। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी लोकेटेड, सासाराम, आंसर होगा सासाराम। मेमोयर ऑफ बाबर और बाबर नामा ऑल्सो नोन एज तुजुके बाबरी वॉज रिटन बाय बाबर हिमसेल्फ। अकबर देखेंगे 1542 से 1605 तक किया था शासन। डैश डाइड इन 1605 नियरली 50 ईयर्स आफ्टर हिज
एसेशन टू द थ्रोन ही वॉज ब्यूरीड आउटसाइड ऑफ आगरा एट सिकंदरा. आंसर होगा इसका अकबर. अकबर. द टर्म्स जाट एंड सवार आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. आंसर हुआ मनसबदारी सिस्टम. विच इम्पेरर आर्मी डिड महाराणा प्रताप फाइट इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी. आंसर अकबर. अकबर. अकबर कमीशन डैश टू क्रॉनिकल द स्टोरी ऑफ हिज फादर हुमायूं नामा. तो ये गुलबदन बेगम ने लिखा था. अकबर नामा एंड आईने अकबरी वॉज रिटन बाई अबुल फजल. अबुल फजल. विच मुगल एम्पेयर वाज बिल्ट आगरा फोर्ट. आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया था. नहीं, हाँ, अकबर ने ही बनवाया था आगरा फोर्ट. द ऑथर ऑफ आईने अकबरी वॉज, आईने अकबरी वॉज अबुल फजल. मिलिट्री कमांडर्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर वेर नोन एज, दे वेर नोन एज फौजदार्स. फौजदार्स. नेम द ऑथर ऑफ द बुक आईने अकबरी अबुल फजल. आईने अकबरी अबुल फजल. हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड दीन ए इलाही. ये दीन ए इलाही एक अलग तरीके का इनिशिएशन था, रिलीजियस इनिशिएशन था, अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था. Whose administration became a model that was followed by Akbar when he consolidated the Mughal Empire? Answer होगा शेर शाह सूरी. Who among the following issued Mahajarnama in 1579? Answer Akbar. Who authored Akbarnama? Answer Abul Fazl. Which Mughal emperor built the city called मकसूदाबाद, लेटर पॉपुलरली नोन एज मुर्शीदाबाद. आंसर होगा अकबर. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनेशन ऑफ अबवाब. अबवाब का मतलब होता है टैक्स लेविड ऑन द लैंड्स ओवर द ओवर एंड अबव द ओरिजिनल रेंट. मेमोइर ऑफ बाबर और बाबरनामा ऑल्सो नोन एज तुजुके बाबरी वॉज रिटन बाई बाबर हिमसेल्फ. मिलिट्री कमांडर्स इन अकबर्स एम्पायर वेर कॉल्ड फौजदार्स. ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स फॉट बाय अकबर विच वन वाज द लेटेस्ट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द बैटल्स. तो लेटेस्ट है, लेटेस्ट होगा बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576. अकबर नामा इज अ डैश वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन रिटन बाय अबुल फजल. आंसर होगा 3 वॉल्यूम. इन ऑनर ऑफ विच सेंट डिड अकबर बिल्ट फतेहपुर सिकरी. फतेहपुर सिकरी बनवाया था शेख सलीम चिश्ती. शेख सलीम चिश्ती के ऑनर में. जहांगीर 1569 से 1627 तक शासन किया था. इन विच ईयर डिड वास्को द गामा लैंडेड इन कैलीकट. तो 1498 में लैंड किया था वास्को द गामा कैलीकट में. अकबर वाज सक्सीडेड बाय हिज सन सलीम हु टुक द टाइटल ऑफ जहांगीर. आंसर होगा जहांगीर मीनिंग कनकरर ऑफ द वर्ल्ड. डैश मैरिड मेहरुनिशा हुम ही गेव द टाइटल ऑफ नूर जहां. आंसर जहांगीर. सर थॉमस रो विजिटेड द कोर्ट ऑफ मुगल रूलर डैश एज एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड. तो ये जहांगीर के कोर्ट में आया था सर थॉमस रो. द ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट कैप्टन विलियम हॉकिंग्स टू द कोर्ट ऑफ एम्पेरर जहांगीर इन 1608 टू सीक परमिशन टू ओपन ए फैक्ट्री एट सूरत. कैप्टन हॉकिंग्स एंड सर थॉमस रो विजिटेड इंडिया इन द रेन ऑफ जहांगीर. सर थॉमस केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड टू विच मुगल एम्पेरर कोर्ट. आंसर जहांगीर. जहांगीर इसका आंसर होगा. मेहरुनिशा हु वाज आल्सो नोन एज नूर जहां वाज द वाइफ ऑफ जहांगीर. इन विच ईयर डिड प्रिंस सलीम असेंड द मुगल थ्रोन. आंसर
1605 द टॉम्ब ऑफ इतिमाद उल दौला इनलेड विथ पिएट्रा ड्यूरा डेकोरेशन इज लोकेटेड एट आगरा आगरा शाहजहां 1628 से 1658 डैश हैज बीन कॉल्ड द आर्किटेक्ट किंग एज ड्यूरिंग हिज रेन वर्ल्ड विटनेस्ड ए यूनिक डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ मुगल एम्पायर आंसर होगा शाहजहां आंसर होगा शाहजहां बहुत खर्चा किया इसने द रेड फोर्ट एंड द जामा मस्जिद इन दिल्ली स्टैंड आउट एज टावरिंग अचीवमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां Who built the Taj Mahal for the wife or his wife Mumtaz Mahal along the bank of Yamuna River? Answer Shahjahan. Prince Khurram grew up to be known as Shahjahan. The peacock throne was commissioned by Shahjahan. Answer was Shahjahan. Who among the following had been given title of Sultan Buland Iqbal by Shahjahan? Answer होगा दारा सिको. Who among the following had written the book Char Chaman during the reign of Shahjahan describing Mughal nobility? Answer is Chandrabhan Brahman. Aurangzeb से related. It was under the reign of Dash that the Mughal empire did speak in matter of area. आंसर होगा इसका औरंगजेब औरंगजेब का शासन बहुत लंबा चौड़ा हो गया था द मुगल एम्पायर डैश अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आलमगीर तो औरंगजेब ने अडॉप्ट किया था टाइटल ऑफ आलमगीर द मुगल एम्पायर एम्पायर इज इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट अंडर औरंगजेब विच मुगल रूलर हैड कंस्ट्रक्टेड द मोती मस्जिद ऑफ दिल्ली आंसर औरंगजेब Who had built the Badshahi Masjid in Lahore? Answer, Aurangzeb. Who among the following Mughal emperors was called Darvesh or Jinda Fakir? Answer, Aurangzeb. Fatwa-e Alamgiri, a digest of Muslim laws, was written during the period of which of the following king? Answer, Aurangzeb. Who is the author of the book Tariq-e-Dilkusha? Tariq-e-Dilkusha ka author the... भीमसेन आलमगीर वाज द टाइटल ऑफ विच मुगल एम्पायर आंसर होगा औरंगजेब विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज ताज ऑफ डेक्कन ताज ऑफ डेक्कन बोलते हैं बीबी का मकबरा को हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय औरंगजेब इन बैटल ऑफ देवराय आंसर होगा दारा सिको 1659 में हुई थी ये लड़ाई सिख गुरु के बारे में देखते हैं हु वाज द फिफ्थ गुरु इन सिखिज्म पांचवा गुरु अर्जन सिंह देख लेते हैं गुरु अर्जन देव यस हु वाज द फिफ्थ ऑफ द 10 सिख गुरु गुरु अर्जन देव डैश बिल्ट द वर्ल्ड फेमस हरमिंदर साहिब पॉपुलरली नोन एज गोल्डन टेंपल इन अमृतसर आंसर होगा गुरु अर्जन देव डैश इज वेल नोन फॉर द गोल्डन ब्यूटिफिकेशन ऑफ हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा इन अमृतसर फेमसली नोन एज गोल्डन टेंपल आंसर होगा गुरु हर ये कराया था महाराजा रंजीत सिंह ने गोल्डन करवा दिया था इसको विच सिख गुरु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ एंड होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म आंसर होगा गुरु अर्जन देव द गुरुमुखी स्क्रिप्ट वॉज क्रिएटेड इन 16th सेंचुरी सी बाई सेकेंड सिख गुरु गुरु अंगद द गुरुमुखी स्क्रिप्ट वॉज क्रिएटेड इन द 16th सेंचुरी सी बाई सेकेंड सिख गुरु गुरु अंगद गुरु गोविंद सिंह कमांडेड सिख टू वियर 5 आइटम्स ऑल द टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 आइटम आंसर किला केस कंघा कड़ा कच्छा कृपान ये 5 थे इसके अलावा कुछ नहीं है द फिफ्थ सिख गुरु कंपाइल्ड आदि ग्रंथ द फर्स्ट ऑफिशियल एडिशन ऑफ द सिख स्क्रिप्चर गुरु अर्जन देव
वेयर वॉज द गुरु नानक बॉर्न? गुरु नानक का जन्म हुआ था तालवंडी में, जो कि पाकिस्तान में है। नेम द सिख गुरु हु डेवलप्ड गुरुमुखी स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग इन पंजाबी लैंग्वेज? ये किया था गुरु अंगद ने। विच सिख गुरु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ एंड होली द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म? गुरु अर्जन देव। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म पटना में हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग सिख स्पिरिचुअल गुरु इज सेड टू हैव असिस्टेड खुसरो द रिवेलियस सन ऑफ जहांगीर? आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। मराठास। इन द ईयर डैश द मराठा एम्पायर सीज्ड टू एग्जिस्ट विद द सरेंडर ऑफ द मराठा टू ब्रिटिश एंडिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वार? आंसर होगा 1818। हु अमंग द फॉलोइंग किल्ड बाई छत्रपति शिवाजी इन द बैटल ऑफ प्रतापगढ़? आंसर अफजल खान। शिवाजी सन फ्रॉम साई बाई वॉज नेम्ड संभाजी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मराठा एम्पायर एंड द ब्रिटिश एरा ईस्ट इंडिया कंपनी साइन द ट्रीटी ऑफ सलवाई इन विच ईयर? आंसर 1782। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज किल्ड बाई छत्रपति शिवाजी इन बैटल ऑफ प्रतापगढ़? आंसर अफजल खान। इन विच ईयर वॉज द ट्रीटी ऑफ सलवाई साइंड? आंसर 1782। विजयनगर एम्पायर के क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी द एंशियंट कैपिटल ऑफ विजयनगरम इज लोकेटेड इन कर्नाटक। सरदेशमुखी इन मराठा रिजाइम वॉज ए टैक्स लेविड ऑन रेवेन्यू। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन हुम? इट वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड थर्ड बैटल ऑफ मोहम्मद गुरी नहीं, सिख एंड मुगल्स नहीं। आंसर होगा सिख एंड मुगल्स। आंसर होगा मराठा एम्पायर एंड दुरानी। दुरानी डैश बिकम द कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर आफ्टर पेशवा वाज वन ओवर शिवाजी। डैश बिकम द कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर आफ्टर द पेशवाज वन ओवर शिवाजी। तो आंसर होगा इसका पुणे। पुणे बिकम द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ इंडिया। छत्रपति शिवाजी एंड सोयर बाई नेम्ड देयर सन एज राजा राम। द रियूंस ऑफ एंशियंट सिटी ऑफ हम्पी द कैपिटल ऑफ विजयनगरा इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट? आंसर कर्नाटक। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एसोसिएटेड विद द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ मराठा? तो चौथ और सरमुखी जो है सरदेशमुखी, ये इनका टैक्स सिस्टम था। इन विच ईयर वॉज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार फॉट बिटवीन द किंगडम ऑफ मैसूर एंड ब्रिटिश स्टेट्स ईस्ट इंडिया कंपनी? आंसर होगा 1780 से 1784। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स वॉज फॉट फाउंडेड बाई हरिहर एंड बुक्का इन 1336? आंसर होगा विजयनगर एम्पायर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड? आंसर होगा 1336। द एंशियंट सिटी ऑफ हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ डैश एम्पायर? आंसर होगा विजयनगर एम्पायर। वॉर्स एंड ट्रीटाइज देखेंगे अब। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ गोवा फोर्ट? 1510 में हुई थी ये लड़ाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द पुर्तगीज इन द बैटल ऑफ सुवाली। बैटल ऑफ सुवाली में हरा दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड पुर्तगीज इन द बैटल ऑफ सुवाली। टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइन द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन द ईयर 1784। व्हेन वाज द बैटल ऑफ तुकारोई फॉट? इट वाज फॉट इन 1575। द ट्रीटी ऑफ सुगौली
वॉज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड द गुरखास। द बैटल ऑफ करनाल इन 1739 वॉज फॉट बिटवीन नादिर शाह एंड हुम अमंग द फॉलोइंग। आंसर होगा इसका मोहम्मद शाह। द फेमस बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 वॉज फॉट इन द इन विच रीजन ऑफ इंडिया। आंसर होगा वेस्ट बंगाल। आफ्टर विच ऑफ बैटल डिड ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट अपॉइंटिंग द रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट। आंसर होगा बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लास बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर होगा, एक्चुअली प्लासी नहीं होगा। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश आर्मी। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 23 जून 1757 को ये लड़ाई हुई थी। हु साइंड द ट्रीटी ऑफ आलम अलीनगर विथ ब्रिटिश। आंसर होगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। द ब्रिटिश एनेक्स पंजाब आफ्टर डिफीटिंग सिख इन एग्लो सिख वॉर इन द ईयर 1849। हु रूल्ड मैसूर अंडर द सब्सिडरी अलायंस विथ ब्रिटिश आफ्टर द डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान एट द बैटल ऑफ सेरिंग पतनम। आंसर बोदियार्स। बोदियार्स। विच किंग इंस्क्राइब द हाथी गुम्फा एलिफेंट केप इंक्रिप्शन इन उदयगिरी हिल्स उड़ीसा। आंसर खारवेनो शोभना राजा। खारवेला होना चाहिए वैसे। आंसर हुआ खारवेला। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फोर्ट। 1764 में हुई थी ये लड़ाई। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडाइवल सूफी ट्रेडिशन द टर्म वाली मिंट। वाली का मतलब होता है सेंट। सेरिंगपत्तनम फोर्ट इज लोकेटेड इन, ये लोकेटेड है कर्नाटक में। आफ्टर द बैटल ऑफ डैश इन 1757 द ब्रिटिश अचीव्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, उसी के बाद पॉलिटिकल पावर अचीव किया था ब्रिटिशर्स ने। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड मौलवी अहमदुल्ला शाह फॉर डिफीटिंग द फोर्सेज अंडर हेनरी लॉरेंस। तो ये हुआ था बैटल ऑफ चिनहत। बैटल ऑफ चिनहत। इन द बैटल ऑफ सावली 1612 द ब्रिटिश फॉट अगेंस्ट द पुर्तगीज। द बैटल ऑफ बेदारा वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश आर्मी एंड डच आर्मी इन 1759। हु वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल फॉलोइंग द बैटल ऑफ प्लासी। मीर जाफर। आंसर होगा मीर जाफर। हु इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द सीज ऑफ आरकोट इन 1751 AD। आंसर होगा ब्रिटिश। ब्रिटिश। ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में लड़ाई हुई थी। द बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट इन द ईयर 1191। फर्स्ट बैटल, सेकेंड भी वहीं पे हुआ था। इन विच ईयर वॉज द ट्रीटी ऑफ वर्सेलस साइंड। आंसर होगा 1919। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज एनेक्स्ड बाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू द ट्रीटी ऑफ यानदाबो। यानदाबो। आंसर होगा इसका ए आसाम। आसाम इज द राइट आंसर। इन 1818 द होलकर डायनेस्टी साइन द ट्रीटी ऑफ मंदसौर विद द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स के साथ साइन किया था। मिसलेनियस सवाल देखेंगे। विच क्वीन डिड डाइड फाइटिंग मुगल आर्मीज वाइल डिफेंडिंग गढ़ कटंगा इन 1564। आंसर होगा रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती। गोंड की ये महारानी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेरिटेज साइट ऑफ मध्य प्रदेश। आंसर होगा भीमबेतका। भीमबेतका इज द करेक्ट आंसर। विच इंडियन मोनूमेंट वॉज बिल्ट बाई महाराजा सवाई प्रताप सिंह इन ईयर 1799। आंसर हवा महल। हवा महल। सफदर जंग टॉम सेट अप इन मिडिल ऑफ द गोल्ड गार्डन
वॉज बिल्ट बाई एस सिराजुद्दौला एस सुजाउद्दौला इन दिल्ली, सुजाउद्दौला ने बनाया था इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल? आंसर होगा पृथ्वी नारायण शाह। इन विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेड विथ ईस्ट इंडिया ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया? आंसर होगा इसका सी 1600 ईस्वी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज रूल्ड बाई बदियार डायनेस्टी? तो ये मैसूर को रूल करते थे। विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाई अहोम डायनेस्टी? आसाम। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट नवाब ऑफ अवध? नवाब वाजिद अली शाह। वॉट वॉज द हिस्टोरिकल नेम ऑफ सिटी ऑफ गुवाहाटी? इसका नाम था प्रज्ञ ज्योतिषपुर। इन द 19th century द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाई, सतनामी मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाई गुरु घासीदास छत्तीसगढ़। द दृश्य कला एग्जीबिशन हेल्ड एट द फ्रेड फोर्ट शोकेस्ड आर्ट वर्क्स फ्रॉम डैश टिल इंडियाज? आंसर होगा सी 16th century। कैलकटा बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1772? हु स्टार्टेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784? आंसर विलियम जॉन्स, विलियम जॉन्स। पोस्ट द एंग्लो मैसूर वार्स हुम डिड ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट एज गवर्नर ऑफ बंगाल? आंसर होगा इसका रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव इज द राइट आंसर। द डॉटर ऑफ मोरोपंत तांबे एंड भागीरथी सपरे बिकम फेमस एज? रानी लक्ष्मीबाई। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड द गार्डन्स ऑफ मुगल्स और सिटी ऑफ गार्डन? आंसर होगा लाहौर, लाहौर। हम्पी द एंशियंट कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड इन कर्नाटक? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ वैष्णव सेक्ट ड्यूरिंग द 15th century इन असम? आंसर होगा वैष्णव सेक्ट के थे शंकरदेव, शंकरदेव। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडाइवल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? आंसर होगा दौरते बारबोसा पुर्तगाल का था, आया था ये। बाघ केव्स आर सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? व्हाट वाज नोन एज कैलिको ड्यूरिंग द प्री इंपीरियलिज्म पीरियड? आंसर होगा कॉटन, कॉटन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू? आंसर होगा इसका सी गुल फरोशन इज फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। विच अमंग द फॉलोइंग पिलर्स शोज द रॉक कट पिलर? आंसर होगा इसका रॉक कट पिलर, आंसर होगा गोथिक पिलर्स। अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? आंसर होगा महाराष्ट्र। इन द 12th century सी कर्नाटका द फॉलोअर्स ऑफ वैष्णव सेक्ट वेयर? वैष्णव सेक्ट फॉलोअर को कहते थे हम लिंगायत, लिंगायत बसावना थे, बसावना इज द राइट आंसर। 18th century फ्रीडम फाइटर वीर पांड्या कुट्टा बोमन वॉज फ्रॉम विच प्रेजेंट स्टेट? आंसर होगा तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट प्लेस पेयर इज करेक्ट? आंसर होगा गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद। हैदराबाद। हु रोट द अमुक्त मालदया? आंसर होगा कृष्णदेव राय। मणिकर्णिका तांबे इज बेटर नोन इन द हिस्ट्री ऑफ
रानी लक्ष्मीबाई। इन विच ईयर सांची वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर बींग अबैंडन्ड फॉर नियरली 600 ईयर। आंसर होगा 1818। द गोल गुम्बज ऑफ डैश इज अ म्यूजोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। आंसर होगा बीजापुर। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। आंसर होगा इसका बी, सेकेंड अर्ल कर्नवालिस। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज वॉज नोन एज अष्ट प्रधान। इन विच ईयर डिड द पुर्तगीज कैप्चर गोवा। 1510 में कैप्चर किया था लड़ाई का। अगला सवाल है, इन विच लैंग्वेज वेर द मुगल कोर्ट क्रोनिकल्स रिटन। आंसर होगा पर्सियन। पर्सियन आंसर होगा। ड्यूरिंग द रूल ऑफ टीपू सुल्तान विच वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ हिज मैसूर। इसका आंसर होगा श्री रंगपत्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिडाइवल ट्रैवलर मार्को पोलो वॉज फ्रॉम वेनाइस। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय ऑफ इंडिया। आंसर होगा फ्रांसुआ दी अल्मेदा। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू राजपूत किंगडम ऑफ मालवा। तो इसका आंसर होगा राणा कुंभा। मेवाड़ से थे, मारवाड़ से नहीं थे। किलिंजर फोर्ट विच वॉज स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग मिडाइवल टाइम इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। लॉर्ड हेस्टिंग इनिशिएटेड द डैश वेयर ईस्ट इंडिया कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वॉज सुप्रीम एंड हेंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन द इंडियन स्टेट। आंसर होगा पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। In which year the administration of India was transferred into the hands of British monarch by proclamation of Queen Victoria? Answer is 1858. In which year did the King George Pancham assume the crown of India? Answer 1911. Who became the Nawab of the Bengal after the death of Ali Wardi Khan? Answer Sirajuddaula. Which explorer discovered sea route to India in 1498? Answer Vasco da Gama. Calicut aaya tha. Who among the following first in translated Bhagavad Gita into English? To ye kiya tha Charles Wilkins ne 1785 mein. Who among the following was the Nizam of Hyderabad in 1947? Answer hoga Usman Ali. Usman Ali is the right answer. Which of the following is the meaning of pistak in the context of medieval Indo-Islamic आर्किटेक्चर। आंसर होगा टॉल गेटवे। टॉल गेटवे। मुगल इंपेरर शाह आलम अपॉइंटेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल इन द ईयर 1765 अलाहाबाद की संधि के बाद। विच मुगल प्रिंस ट्रांसलेटेड द उपनिषद इनटू पर्सियन इन 1657। आंसर दारा सिको। अलीवर्दी खान वॉज नवाब ऑफ बंगाल। आंसर इज बंगाल। प्रोफेट मुहम्मद फाउंडेड द फेथ ऑफ इस्लाम इन द 7th सेंचुरी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द क्यूरेटर ऑफ एंशियंट मोनूमेंट्स इन द ईयर 1880। आंसर होगा H.H. कोले। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मेड कन्नौज इट्स कैपिटल सिटी। आंसर होगा प्रतिहार डायनेस्टी। हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इन 1815। आंसर होगा कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी स्टोरीज डज कुतुब मीनार हैव इन दिल्ली। आंसर होगा 5, टोटल 5। विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड द निजाम ऑफ असफ जाही डायनेस्टी रूल। आंसर होगा डेक्कन प्रोविंस। Who among the following was a Portuguese writer who wrote about the trade and society in South India? Answer होगा Dorte Barbosa. Dorte Barbosa. Who founded the famous Bikram Silaya University in the 9th century? Answer Dharampal.
हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर्स केम टू इंडिया फ्रॉम उज्बेकिस्तान? आंसर होगा 11th सेंचुरी में आया था अलबरूनी। अलबरूनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्लिका फेमस ताजमहल बिल्ट इन 1679? आंसर होगा बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद देयर रिस्पेक्टिव कंट्री? मार्को पोलो इटली से था, पीटर मुंडी ब्रिटेन से था, तो ये गलत है, बी गलत है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सूफी ट्रेडिशंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सामा? इसका मतलब होता है रिसाइटेशन ऑफ सैक्रेड सॉन्ग्स। हफीज वॉज ए डैश सेंचुरी पोएट हुज कलेक्शन ऑफ पोएम इज नोन एज दीवान और दीवाने हफीज। आंसर होगा 14th सेंचुरी। अंडर द रूल ऑफ विच किंग वॉज द सन टेम्पल एट कोणार्क बिल्ट? आंसर होगा नरसिंह देव वन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज पेपर ऑफ इंडिया? आंसर हिकीज बंगाल गजट, जेम्स अगस्तस हिकी की बंगाल गजट। डैश वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन रूलर्स टू लीड एन आर्म्ड रिमेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1824 अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आंसर होगा कित्तूर चेन्नम्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स द मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? आंसर होगा राजतरंगनी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकम द कैपिटल ऑफ बहमनी सुल्तनत इमीडिएटली आफ्टर इट्स फाउंडेशन? आंसर होगा सी अहसानाबाद। जनरली इन द मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जनरली वॉट वॉज द मीनिंग ऑफ दीवानी? दीवानी का मतलब होता है सी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। द चालुक्या डायनेस्टी रूल्ड द वातापी विच इज इन द मॉडर्न डे इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटक। रानी रुद्रमा देवी वॉज फेमस रूलर ऑफ द काकातीय डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक? आंसर होगा गोल गुम्बज इज इन कर्नाटक। मुर्शीद कुली खान वॉज नवाब ऑफ बंगाल। टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड क्वीन रुद्र देवी बिलोंग? काकातीय डायनेस्टी। विक्रमादित्य फोर whose biography was composed by his court poet Bilhan was the ruler of Dash dynasty? ये था चालुक्य dynasty का शासक था। बदामी was the earliest capital of Chalukyas. Which of the following forts was built by Kakatiya dynasty? Answer होगा D Golconda fort. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिल्ट बाई मोहम्मद कुली कुतुब शाह? आंसर होगा चार मीनार। रंग घर वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट एम्फी थिएटर वॉज बिल्ट बाई द किंग ऑफ द डैश डायनेस्टी? आंसर अहोम डायनेस्टी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द भक्ति सेक्ट नेम्ड पुष्टि मार्ग? आंसर होगा वल्लभाचार्य। लाल देद ए फीमेल सेंट ऑफ 14th सेंचुरी वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड बेस्ट नोन डैश पोएटेस? आंसर इज कश्मीरी पोएटेस। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ औरंगाबाद सिटी? आंसर होगा मलिक अंबर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी दैट रूल्ड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश इन द 15th सेंचुरी? आंसर होगा कपिलेंद्र देव। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिसाइफर्ड ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन 1837? आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया? आंसर होगा पौंडीचेरी। द पुर्तगीज एक्सप्लोरर वास्को द गामा लैंडेड इन कैलीकट इन द 1498। अब आ गया मॉडर्न हिस्ट्री रिवोल्ट ऑफ 1857। वीर कुंवर सिंह जयंती इज सेलिब्रेटेड
इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स ऑफ कुंवर सिंह ड्यूरिंग द इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857 इन बिहार, बिहार से बिलोंग करते थे, जगदीशपुर एक जगह है आरा के पास पड़ता है। द सिपॉय म्यूटिनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम, ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से। द सिपॉय म्यूटिनी 1857 टू प्लेस व्हेन डैस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड कैनिंग था उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही था। मंगल पांडे वाज हैंग्ड इन 1857 फॉर अटैकिंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन बैरकपुर, बैरकपुर में इनका पार्क भी है। हु वॉज द ऑर्गेनाइजर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, आंसर होगा बाबू वीर कुंवर सिंह। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वॉज नॉट मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, आंसर होगा बी, द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वॉज इंक्रीज, इंक्रीज नहीं किया गया था, डिक्रीज किया गया था इसको। Who among the following was not associated with the revolt of 1857? तो आंसर होगा भगत सिंह, भगत सिंह तो काफ़ी बाद में आए थे। बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश अक्रॉस द स्टेट टू कॉमेमोरेट द डे व्हेन बिहार वॉज कार्व्ड आउट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी इन द ईयर 1912, आंसर होगा 22 मार्च, 22 मार्च इसका आंसर होगा। ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग हु अमंग द फॉलोइंग टुक अप लीडरशिप एट फैजाबाद, फैजाबाद का लीडरशिप लिया था मौलवी अहमदुल्ला ने, मौलवी अहमदुल्ला ने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड रिवोल्ट इन द कंट्री साइड ऑफ द बॉम्बे डेक्कन अकर, आंसर होगा 1875। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द संथाल रिवेलियन, आंसर होगा सिद्धू मांझी, सिद्धू मांझी, सिद्धू और कानू दो ब्रदर थे। द इंडियन म्यूटिनी began from Meerut on 10th May 1857 and ended in कहाँ पे ख़त्म हुआ भैया, तो ये ख़त्म हुआ झांसी 15 अगस्त 1860, दिल्ली, हाँ आंसर होगा 20 जून 1858 को ग्वालियर में ख़त्म हुआ। डैश वॉज द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 इफेक्टिवली इंडेड इन द सिटी ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर, हुज प्रोक्लेमेशन ऑफ नवंबर 1, 1858 डिक्लेयर दैट देयर आफ्टर इंडिया वुड बी गवर्न्ड बाय एंड इन द नेम ऑफ ब्रिटिश मोनार्क थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आंसर होगा क्वींस एलिजाबेथ, क्वींस विक्टोरिया, सॉरी क्वींस विक्टोरिया। हु स्पीयर हेडेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, ये किया था कुंवर सिंह ने, बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द बहादुर शाह द्वितीय डिपोज्ड बाई द ब्रिटिश एंड एक्साइल्ड टू रंगून, आंसर होगा 1857। गवर्नर एंड वायसराय से क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। Who was the Governor General of India during the First Anglo-Sikh War? Answer होगा Lord Harding. Who was the then Governor General of British India when Sati Pratha became illegal and punishable? Answer होगा Lord William Bentinck. Which of the following Viceroy of India addressed the Bengal famine of 1943 by ordering the army to distribute relief supplies to starving रूरल बंगाली, आंसर होगा लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल, और सॉरी लॉर्ड लिल निदगो, लॉर्ड लिल निदगो इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय अपॉइंटेड द हंटर कमीशन इन 1882, आंसर होगा लॉर्ड रिपन। हंटर कमीशन किस लिए लागू किया गया था, ताकि इंक्वायरी किया जा सके वुड्स डिस्पैच में, एजुकेशन से रिलेटेड था ये, ठीक है। द सती प्रथा वॉज एबोलिश्ड अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वेन द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, लॉर्ड कर्नवालिस, आंसर होगा डी।
लॉर्ड कॉर्नवालिस हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वेन द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1773 टू 1785 आंसर होगा वॉरन हेस्टिंग ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज देखते हैं द डैश वॉज द ग्रुप ऑफ सेवन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूटेड टू सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म फॉर ब्रिटिश इंडिया आंसर होगा डी साइमन कमीशन हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियाज ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड आंसर होगा इसका एक्सपोर्ट सरप्लस इज द राइट आंसर एज ए रिएक्शन टू द रॉलेट एक्ट डैश वॉज ऑर्गेनाइज एज नेशनल ह्यूमिलिएशन डे आंसर होगा इसका 6 अप्रैल 1919 ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 द ऑफिस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वॉज ऑक्यूपाइड बाई आंसर होगा डी बेंजामिन डिजराइली इन विच ईयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड इन टू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश मोनार्क बाई प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया आंसर होगा 1858 द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वॉज हेल्ड इन द ईयर 1881 लॉर्ड रिपन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया द ब्रिटिश मूव्ड द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकटा टू दिल्ली इन ईयर 1911 इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान बाई पार्टीशन इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 द डैश कमीशन वॉज सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द जालियांवाला बाग मासेकर आंसर होगा हंटर कमीशन द जालियांवाला बाग मासेकर ऑल्सो नोन एज द अमृतसर मासेकर टुक प्लेस इन जालियांवाला बाग अमृतसर पंजाब ऑन बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ये है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इन विच प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज द रैयतवाड़ी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड टू कलेक्ट रेवेन्यू आंसर होगा साउथ इंडिया हु हैड गिवन द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1928 वॉज हेडेड बाई सर जॉन साइमन या फिर साइमन कमीशन कहते हैं विच ब्रिटिश ऑफिशियल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जालियांवाला बाग मासेकर आंसर होगा जनरल डायर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर विच एक्ट अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्रीज पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स आंसर होगा रॉलेट एक्ट 1919 अंडर विच गवर्नर जनरल डिड ब्रिटिश एडॉप्ट पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग एल्बर्ट बिल ए कॉन्ट्रोवर्शियल मीजर प्रपोज इन 1883 बाई लॉर्ड रिपन द एक्ट दैट ट्रांसफर्ड द पावर फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946 आंसर होगा इसमें लॉर्ड वेबल थे पैथिक लॉरेंस थे अलेक्जेंडर थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसमें नहीं थे स्टैफर्ड क्रिप्स थे सर पैथिक लॉरेंस थे अलेक्जेंडर थे लॉर्ड वेबल नहीं थे आंसर होगा बी हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन यूके व्हेन द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन इंडिपेंडेंस बिल फॉर इंडिया इन जुलाई 1947 तो ये थे क्लीमेंट एटली विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस अंडर विच द इंडियन रूलर एग्रीड टू कीप ब्रिटिश फोर्सेज इन हिज टेरिटरी आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली आफ्टर द बैटल ऑफ डैश
इन 1757 द ब्रिटिश अचीव पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, आंसर होगा बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट, आंसर होगा 1947। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज कॉर्नवालिस कोड इनेक्टेड, आंसर इज 1793, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर इज इन 1793 कॉर्नवालिस कोड वॉज इनेक्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वॉज एनेक्स्ड बाई ब्रिटिश अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब, आंसर होगा अवध, अवध इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज इनेक्टेड इन ब्रिटिश इंडिया इन द ईयर 1878, आंसर इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। हुज प्रोक्लेमेशन ऑफ नवंबर 1858 डिक्लेयर दैट देयर आफ्टर इंडिया वुड बी गवर्न बाई एंड इन द नेम ऑफ ब्रिटिश मोनार्क थ्रू ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आंसर इज क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। In 1877, which of the following Viceroy organized the Darbar to acknowledge Queen Victoria as Empress of India? Answer is Lord Lytton. Lord Lytton. The capital of British Indian Empire was transferred from Calcutta to Delhi in 1911. By which British statue were Indian representatives? नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच ब्रिटिश स्टैच्यू वेयर इन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द फर्स्ट टाइम एलोकेटेड सीट्स फॉर इलेक्शन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट, सॉरी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, आंसर होगा बी। विच लॉ वॉज इम्पोज्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कमांड ऑफ जनरल डायर, आंसर होगा मार्शल लॉ, मार्शल लॉ। In order to curb the East India Company traders' unrestrained commercial activities and to bring about some order in territories under the company control, the British Parliament enacted a series of law among which the Dash stood first, answer hoga Charter Act, Regulating Act 1773, answer hoga Regulating Act 1773. Who among the following was a great advocate of English education in India? Answer होगा T.B. Macaulay. T.B. Macaulay. Macaulay Commission भी आया था. In which year did the British government announce Morley Minto reform in India? Answer 1909. In which year was the office of first accountant general established in India? Answer होगा 1858. 1858. Which committee among the following was formed in Bombay इन मार्च 1919, आंसर होगा बी खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर ट्रेड विथ इंडिया, आंसर होगा इसका चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन वॉज सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, आंसर होगा 1902। अब हम देखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग ड्यूरिंग एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट लॉर्ड कर्जन इज रिलेटेड, आंसर होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया कम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, आंसर 1858। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1858। इन विच ईयर डिड लॉर्ड कर्जन ऑर्डर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, आंसर इन 1905। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट अकर इन 1919, आंसर सी पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905। विच इंडियन पर्सनैलिटी वॉज गिवन नाइटहुड बाई ब्रिटिश मोनार्क बट ही रिटर्न्ड इट आफ्टर जालियांवाला बाग मासेकर, आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। अमार सोनार बांग्ला द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वॉज कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, आंसर लॉर्ड कर्जन। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट डैश पेंटेड
हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता पोट्रेइंग हर एज एसेटिक फिगर. आंसर इज बी अवनींद्रनाथ टैगोर. अवनींद्रनाथ टैगोर. इन विच ईयर वॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैरिड आउट बाई ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन. आंसर 1905. अब हम देखेंगे गांधी एरा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए कंडीशन लेड डाउन इन गांधी इरविन पैक्ट. आंसर होगा इसका सी विड्रॉल ऑफ टैक्स ऑन खादी प्रोडक्शन. विड्रॉल ऑफ टैक्स ऑन खादी प्रोडक्शन. महात्मा गांधी फॉर्म्ड द डैश द नटल इंडियन कांग्रेस इन द ईयर 1894. इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स बुक इज कलेक्शन ऑफ हूज स्पीचेज एंड नोट्स. आंसर महात्मा गांधी. महात्मा गांधी. द मदर ऑफ महात्मा गांधी वॉज पुतली बाई. कस्तूरबा गांधी उनकी वाइफ थी. हु वॉज द अफेक्शनेटली कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. दादा भाई नौरोजी. इन विच ईयर वॉज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड. आंसर होगा बी 1920. डैश वॉज अवार्डेड द केसर ए हिंद इन 1915 बाई लॉर्ड हार्डिंग ऑफ पेंसर्ट्स फॉर हिज एम्बुलेंस सर्विस इन साउथ अफ्रीका. आंसर होगा महात्मा गांधी. महात्मा गांधी केसर ए हिंद. इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स हु वेर अफेक्टेड बाई क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक. आंसर होगा डी. हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स. ए फ्लैग इज नेसेसिटी फॉर ऑल नेशंस. मिलियंस हैव डाइड फॉर इट. आंसर इज महात्मा गांधी. महात्मा गांधी. व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट. आंसर 1942. अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का नारा. द नोटेड फ्रीडम फाइटर शहीद लक्ष्मण नायक बिलोंग टू द स्टेट ऑफ उड़ीसा. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया व्हेन वॉज द पूना पैक्ट साइंड. आंसर 1932. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड एज अजात शत्रु बाई गांधी जी. आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. विच ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया वॉज एसोसिएटेड विद द इल्बर्ट बिल इनेक्टेड इन 1884. आंसर लॉर्ड रिपन. द खुर्दा अपराइजिंग टू प्लेस इन द ईयर 1817. हु बिल्ड द सीस महल पटियाला वॉज बिल्ट बाई महाराजा नरिंदर सिंह. हु अमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन. आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. पूना पैक्ट 1932 वॉज साइंड बिटवीन भीमराव अम्बेडकर एंड गांधी जी. महात्मा गांधी एंड भीमराव अम्बेडकर. द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन द ईयर 1932. पहला 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में. विच इंडियन हैड इस्टेब्लिश द नटल इंडियन कांग्रेस. आंसर महात्मा गांधी. साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी फॉर्म्ड द नटल इंडियन कांग्रेस इन द ईयर 1894. राजघाट इज ए मेमोरियल ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी. इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड. आंसर 1930. आंसर डी. डैश वॉज ए मेंटोर टू बोथ महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना. आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले. इन विच मंथ ऑफ द ऑफ 1915 डिड महात्मा गांधी फाइनली रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका आफ्टर हिज सक्सेसफुल एजिटेशन अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजाइम. तो ये जनवरी में आए थे, 12 जनवरी को. इसी को प्रवासी भारतीय दिवस के 9 जनवरी को आए थे, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में ही मनाया जाता है. मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया इन द ईयर 1915 आफ्टर 2 डिकेट्स ऑफ रेसिडेंस अबोर्ड. आंसर होगा सी 1915. हु बिफोर गोइंग टू गैलोज हैड एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर फॉर कीपिंग हिज आशेस इंटैक्ट टिल इंडिया इज रीयूनाइटेड एंड थ्रोइंग देम इनटू द इंडस आफ्टर रीयूनिफिकेशन हैज बीन अचीव्ड. आंसर है इसका नाथुराम गोडसे. द फेमस इरविन डिक्लेरेशन ऑन 31 अक्टूबर 1929 प्रोमिस्ड ए डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया. डैश वॉज अवार्डेड द
केसर ए हिंद इन 1915 बाई लॉर्ड हार्डिंग ऑफ पेंसर्ट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एम्बुलेंस सर्विस इन साउथ अफ्रीका। आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स हु वेर अफेक्टेड बाई क्रॉप फेलियर एंड ए प्लेग एपिडेमिक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन हेल्ड। तो ये हुआ था 1931 में, फर्स्ट 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द लीडर्स हु वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन कन्विंसिंग महात्मा गांधी अबाउट द नीड टू स्टार्ट ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत। आंसर इज ए शौकत अली। सी राजगोपालाचारी लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आंसर तमिलनाडु। हु अमंग द फॉलोइंग अर्न्ड द सॉर्बिक्विट भारत कोकिला फ्रॉम महात्मा गांधी। आंसर सरोजनी नायडू। चंपारण सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह 1917 इंडिगो किसानों के लिए। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1931 इन विच द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम लंदन में। वट वॉज द आउटकम ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931। इसका आउटकम ये रहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी एग्रीड टू एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आंसर डी। आफ्टर ओवर 21 ईयर्स स्टे इन साउथ अफ्रीका गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915। आंसर ए। गांधी जी डिलीवर द फेमस डू और डाई स्पीच ऑन 8th अगस्त 1942। विच न्यूज़पेपर वॉज फाउंडेड बाई महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका इन 1903। आंसर इंडियन ओपिनियन। इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह फॉर द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। द सत्याग्रह वॉज फॉर द डिमांड ऑफ रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन, बिकॉज जो खेती थी उस बार कुछ हुआ नहीं था ठीक से और प्लेग का भी असर था। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन जनवरी 1915, 9 जनवरी प्रिसाइजली। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है उसी दिन को। अब देखेंगे हम एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। द विक्टोरिया मेमोरियल कंसीव्ड बाय लॉर्ड कर्जन रिप्रेजेंट्स द आर्किटेक्चरल क्लाइमेक्स ऑफ कोलकाता। द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर एंडेड विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ यंदाबो। बिहार दिवस इज एक्चुअली सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च टू कमेमोरेट डे वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी। 22 मार्च को मनाया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइंड द फेमस स्ट्रक्चर ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया। आंसर होगा इसका जॉर्ज विटेट। द लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद वॉज मीर उस्मान अली खान। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज दीवानी ऑफ बंगाल ट्रांसफर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। आंसर होगा 1765 अलाहाबाद की ट्रीटी के बाद। विच मोनूमेंट वॉज बिल्ट इन 1924 टू वेलकम किंग जॉर्ज फाइव एंड क्वीन मेरी। आंसर गेटवे ऑफ इंडिया। इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर द दीवानी ऑफ बंगाल। आंसर 1765। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज सुप्रीम कोर्ट सेटअप इन कैलकाता बाई ईस्ट इंडिया कंपनी। आंसर 1773। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन बैंक्स ऑफ द रिवर डैश इन 1665। आंसर हुगली इज द राइट आंसर। अब हम देखेंगे रिवोल्यूशनरीज से रिलेटेड। ऑन मार्च 23rd इंडिया ऑब्जर्व डैश डे दिवस एज ए ट्रिब्यूट टू भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु ऑन देयर डेथ एनिवर्सरी। आंसर शहीद दिवस। इन 1872 लॉर्ड मायो द वायसराय ऑफ इंडिया वॉज एसेसिनेटेड इन पोर्ट ब्लेयर। द कोट द शॉट दैट हिट मी आर द लास्ट नेल टू द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर। आंसर लाला लाजपत राय। द कोट बॉम्ब्स एंड पिस्टल्स डू नॉट मेक ए रिवोल्यूशन द स्वॉर्ड ऑफ रिवोल्यूशन इज शार्पेंड ऑन द वेटिंग स्टोन ऑफ आइडियाज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर। आंसर भगत सिंह।
मित्र मेला वॉज ए रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाई वीर सावरकर इन द ईयर 1899. भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वेयर हैंग्ड इन द ईयर 1931. विच इवेंट लेड टू द टर्मिनेशन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बाई गांधी जी. चौरी चौरा इंसिडेंट. मेंबर्स ऑफ विच नेशनल एसोसिएशन वेयर लेड बाई चंद्रशेखर आजाद एंड भगत सिंह. आंसर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी. हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव्ड द काकोरी ट्रेन रॉबरी इन 1925. आंसर होगा इसका रामप्रसाद बिस्मिल एंड असफगुल्ला खान. हु अमंग द फॉलोइंग एसेसिनेटेड सर विलियम हट कर्जन विली इन लंदन. इसकी हत्या की थी मदन लाल ढिंगरा. वीर सुरेंद्र साई वॉज फ्रीडम फाइटर फ्रॉम उड़ीसा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड. आंसर, 1932 बाई महात्मा गांधी. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट इंडियन टू अनफॉल द ट्राई कलर ऑन फॉरेन लैंड. आंसर, एनी बसंत. सॉरी, भीकाजी कामा. कहाँ पे किया था? ये किया था स्टुगर्ट जर्मनी में. भीकाजी कामा, मैडम कामा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज इंडियन एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड. आंसर होगा 1876 बाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस. हु वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स कांग्रेस. जनरल सेक्रेटरी पूछा है. आंसर होगा एन जी रंगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डेट काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टुक प्लेस. आंसर, 1925 रामप्रसाद बिस्मिल एंड असफकुल्ला खान. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ए लीडर हु लेड ए रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल फ्रॉम ईस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. आंसर होगा रानी गैदिनलू. आइडेंटिफाई द रिवोल्यूशनरी फ्रॉम द वेस्ट बंगाल हु पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम मूवमेंट. आंसर, खुदीराम बोस. हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वॉज पॉपुलरली नोन एज मास्टर दा के नाम से जाना जाता है सूर्यसेन. पंडित मदन मोहन मालवीय इज क्रेडिटेड विद द पॉपुलराइजिंग द स्लोगन. आंसर, सत्यमेव जयते. हु अमंग द फॉलोइंग किल्ड माइकल ओडायर द ब्रिटिश ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जालियांवाला बाग मासेकर. आंसर, माइकल ओडायर, ऊधम सिंह. लंदन में मार दिया था. हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रिवोल्यूशनरी कंसीव्ड एन आर्म्ड इंसरेक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन कोऑपरेशन विद जर्मनी. आंसर इज बाघा जतिन. हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वॉज नॉट एन एक्यूज इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी. आंसर होगा भगत सिंह. हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वॉज पॉपुलरली नोन एज मास्टर द सूर्यसेन. पंडित मदन मोहन मालवीय इज क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द स्लोगन सत्यमेव जयते. हु अमंग द फॉलोइंग किल्ड माइकल ओडायर. सेम क्वेश्चन आ गया यार, ऊधम सिंह. हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रिवोल्यूशनरी कंसीव्ड एन आर्म इंसरेक्शन. सेम क्वेश्चन है, बागा जतिन. हु अमंग द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट एन एक्यूज्ड इन काकोरी ट्रेन, भगत सिंह. सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया. अब देखेंगे स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर डैश विथ एन एम टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश आर्मी. आंसर होगा 1928 फिरोज शाह कोटला मैदान में. द खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920 वॉज ऑर्गेनाइज एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू तुर्की का खलीफा जो है उसके अगेंस्ट में. वेन वॉज द पथरूघाट पीजेंट रिवोल्ट हेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिश टैक्सेशन पॉलिसी इन आसाम. आंसर होगा 1894. सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस फाउंडेड डैश इन बंगाल इन 1876. इंडियन एसोसिएशन का फाउंडेशन रखा था इन्होंने. इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ
सरगढ़ी फोर्ट आंसर होगा 1897। हु वॉज एफेक्शनली कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वॉज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, आंसर बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। द फायरिंग ऑर्डर इशूड बाई डैस ऑन गैदरिंग ऑफ पीपल ऑन बैसाखी डे 1931 बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये एक्चुअली 1919 होना चाहिए, आंसर होगा जनरल डायर, जनरल डायर, 1931 नहीं होगा 1919 होगा। वेन वॉज इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, आंसर होगा 22 जुलाई 1947। वेन डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड 1922 चौरी चौरा कांड के बाद। इन विच ईयर वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था 1920 में लॉन्च किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिजन्स अपराइजिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल टू पार्ट, आंसर बारदोली सत्याग्रह। हु रिनाउंस हिज नाइटहुड अगेंस्ट द जालियांवाला बाग एट्रोसिटी, आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाई, इट वॉज फॉर्म्ड बाई सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू 1923। हु लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया, आंसर आंसर होगा महात्मा गांधी। हु रिटर्न्ड हिज नाइटहुड टाइटल आफ्टर जालियांवाला बाग मासेकर, आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी हैड वायोलेटेड द सॉल्ट लॉ इन विच कोस्टल सिटी, आंसर डांडी, डांडी। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ सरगढ़ी फोर्ट, आंसर 1897। विच फ्रीडम फाइटर हैड एस्टैब्लिश द इंडियन नेशनल आर्मी टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, आंसर वीर सावरकर, ओ सॉरी सुभाष चंद्र बोस। इन विच नेशनल मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गिव स्लोगन डू और डाई, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था इन्होंने, क्विट इंडिया मूवमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्लेड द लीड रोल इन बारदोली सत्याग्रह, आंसर होगा इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेन वॉज द होम रूल लीग स्टार्टेड बाई महात्मा बाल गंगाधर तिलक, तो आंसर होगा 1916। वेन वॉज सत्याग्रह सभा इस्टेब्लिश बाई गांधी जी, आंसर 1919। हु वॉज रॉलेट वॉट वॉज रॉलेट एक्ट कंसिडर्ड, आंसर इट वॉज इट सप्रेस्ड पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड पॉलिटिकल प्रिजनर्स टू बी डिटेन्ड फॉर 2 years विदाउट ट्रायल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाई महात्मा गांधी, तो आंसर होगा इसका चंपारण खेड़ा और रॉलेट, आंसर होगा डी सी। इन विच सिटी वॉज झंडा सत्याग्रह या फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 हेल्ड, आंसर नागपुर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस वॉज क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाई महात्मा गांधी 1942, तो ग्वालियर टैंक, अगस्त क्रांति मैदान भी बोलते हैं इसको। डैस रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ जालियांवाला बाग मास किलिंग, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। हु यूज्ड स्यूडोनिम भानु सिम्हा, आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। द गदर और गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1913। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड 1934 बाई जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव, मीनू मसानी। इन विच ईयर वॉज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड, आंसर 1928। द स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाई, इट वॉज फाउंडेड बाई मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास। डैस वॉज एक्सिक्यूटेड एट लाहौर इन नवंबर 1935 फॉर हिज रोल इन गदर कॉन्स्पिरेसी इन फेब्रुवरी 1915, आंसर होगा इसका करतार सिंह सराभा। इन विच ईयर वॉज शिकागो USA कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस हेल्ड दैट इंक्लूडेड स्वामी विवेकानंद टॉक ऑन रिलीजियस
रिलीजन एज वन ऑफ इट्स हाईलाइट आंसर होगा 1893। हु गिव द स्लोगन दिल्ली चलो गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम आंसर सुभाष चंद्र बोस। द बर्थ प्लेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस इज कटक उड़ीसा। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन ईयर 1930 बाई महात्मा गांधी आंसर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आंसर राम मनोहर लोहिया। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल। 1925 में हुआ था इसका। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट बाई फाउंडिंग द इंडियन एसोसिएशन एट कैलकाटा इन 1876 आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जिया एंड आनंद मोहन बोस। हु अमंग द फॉलोइंग अलॉन्ग विद मोतीलाल नेहरू वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन ऑफ स्वराज पार्टी तो चित्तरंजन दास इसका आंसर होगा। वॉट वॉज द नेम ऑफ द वुमेन्स रेजिमेंट इन इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड बाई सुभाष चंद्र बोस आंसर होगा रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। When did the pigeon movement of in Bardoli begin? Answer होगा 1928. Which Maharaja of Manipur signed the insurrection of accession with government of India? Answer होगा बोध चंद्र सिंह। When did the Indian army लिबरेट गोवा फ्रॉम पुर्तुगीज एंड डिक्लेयर इट एज यूनियन टेरिटरी आंसर 1961। डैश सकम टू इंजरीज इन्फ्लिक्टेड ऑन हिम ड्यूरिंग द पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन आंसर लाला लाजपत राय। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डिड बाबा रामचंद्र ने मेनली लीड पीजेंट्स आंसर होगा अवध। द ओनर्स ऑफ जालियांवाला बाग मासेकर दैट हैपेंड इन 1919 वाज ऑन विच जनरल ऑफ ब्रिटिश आर्मी आंसर जनरल डायर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड सी राजगोपालाचारी ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन द ईयर 1930 आंसर चिदंबरम आंसर होगा बेदरण्यम। From which of the following cities was Quit India Movement launched by Mahatma Gandhi? Answer Bombay. Bombay का ग्वालियर टाइम कब आया गया? Social religious reform में पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है Who was the first Indian to receive the Ramon Magsaysay Award for his contribution to community leadership? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। मदर टेरेसा द फाउंडर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी वॉज बॉर्न ऑन 26 अगस्त 1910। द बुक गुलामगिरी वॉज रिटन बाई ज्योतिराव फुले। इन विच ईयर वॉज सत्यशोधक समाज फाउंडेड बाई ज्योतिराव फुले 1873। Who was the founder of Satyashodhak Samaj in 19th century? Answer Jyotirao Phule. The Aligarh movement was started by Muhammad Sayyid Ahmad Khan. Sir Sayyid Ahmad Khan. Who founded the Servants of India Society in 1905? Answer hoga Gopal Krishna Gokhale. Who started the Temple Entry movement in 1927? Answer Bhim Rao Ambedkar. The abolition of diarchy in provinces was recommended by Government of India Act 1935. Government of India Act 1935. Aurobindo Ghosh born in Calcutta in the year 15th August 1872. Dada Bhai Naroji was editor of which of the following newspaper? Answer Rast Guftar. Neel Darpan was written by Deenbandhu Mitra. To portray the operation faced by pigeon to grow indigo in Bengal. Who started magazine Kesari? Kesari kiya tha Bal Gangadhar Tilak ne. Marathi newspaper tha. Who had started the self-respect movement? Answer hoga E.B.R. Nayyakar.
लाला लाजपत राय वॉज फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वेयर रिटन बाई ज्योतिबा फुले? आंसर गुलामगिरी। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर वॉज नॉट लॉन्च्ड बाई लाला लाजपत राय? आंसर यंग इंडिया। आफ्टर एक्विटल ऑफ श्री अरविंदो घोष फ्रॉम जेल इन 1909 ही लॉन्च टू वीकली जर्नल डैश एंड डैश? आंसर होगा इसका कर्मयोगी इंग्लिश में एंड धर्मा बंगाली में। द सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाई ज्योतिराव फुले। वेटरन फ्रीडम फाइटर सोशल रिफॉर्मर एंड फेमिनिस्ट सावित्री बाई फुले हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? आंसर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसा इन बंगाल? आंसर होगा इसका नवाब अब्दुल लतीफ खान। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज एसोसिएटेड विद द तिब्बत होम थ्योरी ऑफ आर्यन? आंसर बाल गंगाधर तिलक। ओ तिब्बत दयानंद सरस्वती, तिब्बत दयानंद सरस्वती आर्कटिक जो है वो बाल गंगाधर तिलक। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर ऑफ द फाउंडर एंड सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड? आंसर होगा इसका डी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। इन विच ईयर वॉज शिकागो USA कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हेल्ड दैट इंक्लूडेड स्वामी विवेकानंद टॉक ऑन रिलीजन एज वन ऑफ इट्स हाईलाइट? आंसर 1893। वॉट वॉज द पैटर्नल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती? आंसर होगा मूल शंकर, मूल शंकर। वेयर वेयर द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ आर्य समाज? आंसर इज बी बॉम्बे। द लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट फोकसिंग ऑन लॉर्ड रामा वाज रामानंदा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वॉज अबाउट दयानंद सरस्वती इज इनकरेक्ट? आंसर होगा इसका ही वॉज फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, ये गलत है। ब्रह्मो समाज फाउंड किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1828 में। स्वामी विवेकानंदा इस्टेब्लिश रामकृष्ण मिशन इन द ईयर 1897 बेलूर मठ में। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए नयानर सेंट? आंसर होगा अंदल, अंदल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच ऑफ दरगाह एंड रिस्पेक्टिव लोकेशन? आंसर होगा ए, शेख नमाजुद्दीन नजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे है? ये है दिल्ली में, दिल्ली में, आगरा में नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज बेद समाज इस्टेब्लिश्ड इन 1864? आंसर मद्रास, मद्रास। हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर फाउंडेड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हिंदू विडोज होम इन पूना इन ईयर 1896? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ढोंडो केशव कारवे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज अर्लीस्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड एज कंपेयर्ड विथ अदर थ्री ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? आंसर होगा इसका ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? आंसर होगा आत्माराम, आत्माराम पांडुरंग। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? आंसर दादा भाई नरोजी। डैश फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी? आंसर भीमराव अम्बेडकर। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाई ज्योतिराव फुले? आंसर होगा सत्यशोधक समाज। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875? आंसर दयानंद सरस्वती। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। हु अमंग द फॉलोइंग रोट ब्रह्मो कोविनेंट विच वॉज स्टेटमेंट ऑफ द क्रीड ऑफ ब्रह्मो समाज एंड मेड ए लिस्ट ऑफ द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ इट्स मेंबर्स? आंसर होगा सी देवेंद्रनाथ टैगोर। इन विच ईयर वॉज होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड? होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1916 में, 1916। अब देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स सेशंस।
द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वॉज इस्टेब्लिश इन 1876 बाई आनंद मोहन बोस. महारानी गायत्री देवी वॉज ए मेंबर ऑफ डैश. शी वॉज ए मेंबर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी. हु हेडेड द 19th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. आंसर होगा इसका 19th वाले का लाल मोहन घोष. लाल मोहन घोष मद्रास में हुआ था ये. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग बेलगाम समिट 1924. तो एक ही बार महात्मा गांधी. 39th सेशन था ये. इन विच कांग्रेस सेशन वॉज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड. लाहौर सेशन. लाहौर सेशन 1929. हु प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव इन सूरत इन दिसंबर 1907. आंसर होगा इसका आंसर होगा फिरोज शाह मेहता. नहीं, श्री अरविंदो. श्री अरविंदो इज द राइट आंसर. द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस अकर्ड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन. सूरत सेशन में ये हुआ था. सूरत सेशन 1907. आंसर होगा डी. द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज अडॉप्टेड इन विच ऑफ कांग्रेस सेशन. तो ये किया गया था नागपुर सेशन 1920. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन कैलकटा 1906. दादा भाई नरोजी. विच लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वॉज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. दादा भाई नरोजी. दादा भाई नरोजी. द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वॉज फर्स्ट संग एट द कैलकटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1911. डैश वॉज सेलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1929 एज इट एट इट्स एनुअल सेशन इन लाहौर सिटी. जवाहरलाल नेहरू. पूर्ण स्वराज की मांग. हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस इन सेप्टेम्बर 1929 एट द एज ऑफ 35 बिकम द यंगेस्ट मैन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस. आंसर होगा डी. मौलाना अबुल कलाम आजाद. 35 साल की एज में. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेन इंडिया वन इट्स फ्रीडम. आंसर होगा जे बी कृपलानी. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1938 एंड 1939. आंसर होगा इसका ए. सुभाष चंद्र बोस. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन दिसंबर 1885 एट बॉम्बे. राइट आंसर इज बॉम्बे. हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. आंसर होगा इसका एनी बेसांत. एनी बेसांत. द लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड इन. इट वॉज साइंड इन 1916. मुस्लिम लीग के सवाल देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज गिवन द टाइटल क्वैद ए आजम. क्वैद ए आजम का टाइटल दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को. इन विच ईयर ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइंड द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट 1916. वॉट वॉज द इम्पॉर्टेंट फीचर रिजल्ट ऑफ 1916 लखनऊ पैक्ट. इसमें क्या हुआ था. इसमें हुआ था इट रेफर टू री यूनिफिकेशन ऑफ मॉडरेट एंड हार्ड लाइन कल्ट ऑफ कल्ट कांग्रेस. वेन वॉज द मुस्लिम लीग फाउंडेड. 1906 ए इसका आंसर होगा. खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड बाई अली ब्रदर्स इन बॉम्बे 1919 में. द लखनऊ पैक्ट ऑफ दिसंबर 1916 वॉज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. द इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड 1906 एट ढाका. इंडिया एंड पाकिस्तान हैड साइंड डैश अंडर विच टू कंट्रीज एग्रीड टू सॉर्ट आउट डिफरेंसेज एंड डिस्प्यूट्स बायलेटरली. आंसर शिमला पैक्ट. शिमला पैक्ट. मिसलेनियस के सवाल देखेंगे. द विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज लोकेटेड इन कन्याकुमारी. द लीडिंग लाइट ऑफ रामा कल्ट वॉज सेंट पोएट डैश हु ऑल्सो रोट द पोएम रामचरित्र
मानस, आंसर तुलसीदास। द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर एंडेड ऑन 16 दिसंबर 1971। डैस वॉज नॉट ओनली श्रीलंकन फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बट ऑल्सो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, आंसर श्री माभो बंदर नायके। जॉर्वे कल्चर वॉज ए कैल्कोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हु वॉज द इंडियन आर्मी चीफ एट द टाइम ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, आंसर सैम मानेकशॉ। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द इंडिया डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, आंसर जगजीवन राम। जगजीवन राम फॉर विच स्पेसिफिक रीजन इज पिंगाली वेंकैया रिमेंबर्ड इवन टूडे, तो इन्होंने नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था, ही डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग, सी आंसर होगा। ओपियम वॉर वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ दार्टिंगटन हॉल स्कूल इन जापान, आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर विच एंडेड द पुर्तगीज रूल इन इंडिया वॉज साइंड ऑन 1961, आंसर होगा 19 दिसंबर 1961। द चेरियाल स्क्रोल इज अ डाइंग आर्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ इंडिया प्रैक्टिस्ड बाई वन फैमिली कॉल्ड नक्शी फैमिली फॉर मेनी जनरेशन, नेम द मॉडर्न डे स्टेट विच ओन्स दिस आर्ट फॉर्म, आंसर तेलंगाना। Who among the following establishes an institution named Kalasram for imparting training in dance and associated discipline? Answer होगा B. Pandit Birju Maharaj. Who among the following first translated the Bhagavad Gita into English? तो ये किया था Charles Wilkins ने. Answer होगा D. become the acting prime minister of India after the death of Jawaharlal Nehru in 1964, answer Gulzarilal Nanda. The Nehru Liaquat Pact was signed in 1950. Das founded the Bal Charkha Sangh where children were taught to spin and weave, answer Indira Gandhi. When was the national anthem adopted in its Hindi version, answer 24th January 1950. Which of the following become Union Territory of India in 1954 after 280 years of French rule? Pondicherry. National Youth Festival is celebrated on the birth anniversary of which of the following personality, answer Swami Vivekananda. The painting by Mother was made by, it was made by Abhinindranath Tagore. The painting Damayanti was painted by Raja Ravi Verma. Kerala ke the ye. What was the real name of Sister Nivedita? Answer Margaret Elizabeth Noble. Which palace came to be known as Dutch Palace? Answer hoga A. Mutton Cherry Dutch Palace. Who is known as the Iron Man of India? Answer hoga Vallabhbhai Patel. Which palace came to be known as Dutch Palace, Mutton Cherry Palace? Who among the following is known as the Lok Nayak? Answer Jayaprakash Narayan. In which of the following cities the tomb of Rani of Jhansi situated? Answer ग्वालियर। विच लीडर गेव अस द CR फॉर्मूला? आंसर सी राजगोपालाचारी। डैस वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1913 एंड नाइटहुड इन 1915, आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए मिला था। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्राम कमिटी दैट वॉज फॉर्म्ड बाई ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी इन 1947? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू।
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द स्पीकर्स आफ्टर जवाहरलाल नेहरू टू एड्रेस द पार्लियामेंट ऑन मिड नाइट ऑफ 15 अगस्त 1947. आंसर होगा इसका सर्वपल्ली राधाकृष्णन. द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज ब्रॉट अंडर द इंडियन यूनियन इन ईयर 1948. हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इन टू इंग्लिश. चार्ल्स विल्किंस. द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेटअप एज स्पिनिंग मिल इन 1854 इन बॉम्बे. हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अली वर्दी खान. आंसर सिराजुद्दौला. गुरु गोविंद सिंह वॉज 10th गुरु. आंसर होगा बी. हु स्टार्टेड द तमिल वीकली इन मैगजीन कुड़ी अरासु. आंसर होगा सी पेरियार ईवी रामास्वामी. द एचिनसन कमीशन 1886 वॉज अपॉइंटेड टू मेक रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म इन एचिनसन कमीशन. सी इसका आंसर होगा इंडियन सिविल सर्विसेज. इन विच नोवेल डिड द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया फीचर. आंसर आनंद मठ. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस होस्टेड द 2019 वर्ल्ड रग्बी कप. आंसर जापान. द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेटअप एज ए स्पिनिंग मिल इन 1854 इन बॉम्बे. बॉम्बे में हुआ था यह. अगला सवाल देखते हैं. चंद्रनगर जिसे बोलते हैं वॉज ए डैश कॉलोनी कैप्चर्ड बाई ब्रिटिश नेवी ऑन 23rd March 1757. आंसर होगा फ्रेंच कॉलोनी. इन विच ईयर डिड अटल बिहारी वाजपेयी अंडरटेक ए बस जर्नी टू लाहौर टू साइन ए पीस डिक्लेरेशन. आंसर होगा 1999. हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स रोड द पोएम वंदे मातरम इन 1875. आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी. इन विच फॉलोइंग ईयर्स डिड जापान इन्वेड इंडिया रिजल्टिंग इन बैटल ऑफ इम्फाल 1944. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द एशियाटिक सोसाइटी एट कैलकटा फाउंडेड बाई सर विलियम जोन्स. आंसर 1784. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड 1960. हू अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ भारतीय जनसंघ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी. ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड डिमार्केटेड एज दामिने कोह इन 1832 वॉज डिक्लेयर्ड एज द लैंड ऑफ द संथाल्स. आंसर होगा डी संथाल्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज लास्ट इंपीरियल डायनेस्टी टू रूल चाइना. आंसर होगा क्विंग डायनेस्टी. फोर्ट सेंट लुइस वॉज ए डैश फोर्ट दैट स्टूड इन पॉन्डिचेरी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. आंसर होगा फ्रेंच. When did Bangladesh get independence from Pakistan? 1971, December में. What was the meaning of Rayat in British record in 18th century? इसका मतलब होता है peasants. Rayat का मतलब होता है peasants. In which of the following years did Santhal revolt took place? 55-56. Answer होगा D. Who was the Nawab of Bhopal that ruled from 1868 to 1901? Answer होगा इसका शाहजहाँ बेगम. अवध किसान सभा वॉज सेटअप इन द ईयर 1920. देशबंधु किसको टाइटल दिया गया था? देशबंधु दिया गया था चित्तरंजन दास को. व्हाट वॉज द नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट लेड टू एन एक्सेशन ऑफ हैदराबाद स्टेट इनटू इंडिया? आंसर होगा ऑपरेशन पोलो. Which state of India was ruled by Ningthuja dynasty? Answer होगा मणिपुर. Who among the following founded the Asiatic Society of Bengal? Answer होगा William Jones. The Portuguese explorer Vasco da Gama landed in dash year. Land किया था कैलीकट में 1498 में. Which one of the following is not one of the writing of Lala Lajpat Rai? Answer होगा इंडिया विंस फ्रीडम. ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद का. अबुल कलाम आजाद का. विच विथ हुम इज़ द
पत्थरू घाट अपराइजिंग एसोसिएटेड आंसर है पीजेंट सरप्राइजिंग पत्थरू घाट। विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर टुक ए बस जर्नी टू लाहौर टू साइन ए पीस डिक्लेरेशन इन द ईयर 1919 आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए फ्रीडम फाइटर बेस्ड ऑन हुज डिजाइन द पीजेंट प्रेजेंट इंडियन नेशनल फ्लैग इज डिजाइंड आंसर पिंगाली वेंकैया। द डैश मूवमेंट वॉज लीड बाई चौधरी देवी लाल इन 1987 आंसर होगा न्याय युद्ध न्याय युद्ध। ख़त्म हुआ है हिस्ट्री आएगा पॉलिटी। आई होप आपको पसंद आया वीडियो, पसंद आया तो लाइक मारिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।